बहनों का स्वागत है। सुबह के टाइम में आप लोग आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो आज हम ये करने वाले हैं कि जो हमारी रसोई में उपलब्ध है सामान, उससे हम अपनी बीमारियों का कैसे इलाज करेंगे और हमारे आसपास जो चीज़ें उपलब्ध हैं उससे कैसे हम अपना इलाज कर सकते हैं। इसके लिए हमें गोविंद भैया सब कुछ बताएंगे। वैसे अभी आपने देख लिया होगा, गोविंद भैया आए हैं, तो उनका ये जो बैनर है इसमें वो नहीं लगा हुआ था, थ्रेड नहीं लगा हुआ था। तो अगर आप ध्यान देंगे, उन्होंने दांतों से काटा है इसको और पत्तों से बांध दिया। उन्होंने इधर उधर नहीं ढूंढा कि अब रस्सी ढूंढे या पंचिंग मशीन ढूंढे या कुछ करें। तो मैं देख रही थी भैया क्या करोगे, कहते दीदी अभी करता हूँ, और उन्होंने उसी से उसको बांध बूंद दिया। तो यानी जहाँ जो उपलब्ध है प्रकृति में हमारे पास, उसी को ही हम इस्तेमाल करें और कैसे हम अपनी समस्याओं को छोटा करके चले जाएं, उसे बढ़ाए नहीं कि हम आगे भागे किसी चीज़ के लिए। गोविंद भैया का परिचय मैं आपको थोड़ा सा दे देती हूँ। वैसे तो हम लोग जितने लोग योग से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं गोविंद भैया से जुड़े हुए हैं। जितने ये सरल हैं उतना ही जीवन, जितना इनका सरल है उतना ही सरल तरीके से ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं। और ये किसी पैथी को सपोर्ट नहीं करते हैं कि या एलोपैथी के विरोध में है या आयुर्वेद को सपोर्ट कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि हमें जिस भी तरह से हम अपने शरीर को सही कर सके, देखिए एलोपैथी भी हमें इमरजेंसी में एलोपैथी की भी ज़रूरत होती है, हम किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है, हम जब घर में होते हैं तो सिर में दर्द है, गैस है, डिस्पिन की गोली नहीं है, केमिस्ट के पास भागना है, तो उससे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास किचन में अजवाइन है, काला नमक है, लौंग है, आप इनकी फंकी ले सकते हैं या उबाल के ले सकते हैं। लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको अवेयरनेस हो, जब आपको पता हो कि हमें क्या करना है। मेरी रसोई में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, सरसों का तेल है, अगर वो खाने के काम आ रहा है तो वो और कहाँ कहाँ काम आएगा? क्या मेरे जुकाम में काम आएगा? मेरा नाक बंद हो गया है, तो अगर आपको पता होगा कि एक चम्मच सरसों का तेल नाक में डाल लिया तो 15-20 मिनट आधा घंटा तक भूखते रहोगे, चक्कर खा जाओगे, लेकिन उसके बाद जो ऊपर से नीचे तक आपका शरीर और सारी नसनाड़ियाँ खुलेंगी, ये आपको पता होने पर ही आप कर सकते हैं। तो गोविंद जी आज हमें यही छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, कहने को छोटी हैं लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। तो ये राजीव दीक्षित जी के अनन्य भक्त हैं। इन्होंने राजीव दीक्षित जी को सुन सुन के ही, इन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ राजीव दीक्षित जी को सुना। हम लोग भी सुनते हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सुना और छोड़ दिया। इन्होंने सुना, जीवन में उतारा और उसे आगे बढ़ाया। तो आज ये 2016 से लगातार लगे हुए हैं इसी कार्य में, जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक 24 घंटे ये हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। रात को भी हम इन्हें मैसेज करते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि भैया रात के 2 बजे मेरे पेट में दर्द है या मुझे दिक्कत है, तो मैसेज करके आप छोड़ दो, उसके बाद भी इनका जवाब आएगा। तो मैं कई बार पूछती हूँ भैया सोते नहीं हो क्या? कहते जितनी बार उठता हूँ फ़ोन चेक करता हूँ, क्योंकि भाई बहन मुझे याद कर रहे हैं, मुझे पता है ये चीज़। तो आज हमारा अहोभाग्य है कि ये आज हमारे बीच में आए। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो शिविर आयोजित हुआ है ये बहन मंजू नागपाल और भाई प्रवीण नागपाल जी के श्रेय से ये शिविर आयोजित किया गया है। उनकी कल मैरिज एनिवर्सरी है, तो मुझे मेरी बहन ने कहा कि शमा मैं कुछ करना चाहती हूँ। करने को पार्टी भी कर सकते थे, अपना फैमिली डिनर कर सकते थे, 10 दोस्तों को बुला सकते थे, केक काट के वहाँ कर सकते थे, लेकिन वो कुछ ऐसा करना चाहती थी कि समाज के लिए वो करें। तो उन्होंने कहा कि गोविंद जी का शिविर लगवा दे शमा। मैंने कहा ठीक है करते हैं मेरे लिए। तो गोविंद भाई को बोला, वर्किंग है गोविंद भाई, जॉब करते हैं, आज उनकी छुट्टी नहीं है, संडे है, छुट्टी नहीं है, इसके बाद वो अपनी जॉब पे ही जाएंगे। और कल भी वो शाम, कल उनकी छुट्टी होती है, पूरा दिन वो कालका जी थे, रात को 8 बजे वो निर्माण विहार में आए किसी से मिलने के लिए। अब वो गए कब हैं मुझे नहीं पता, और सुबह 7 बजे वो हमारे बीच थे। ये आप कह सकते हो कि ये उनकी सेवा भाव है कि जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं इस तरह से। तो मैं आदरणीय उपल जी हैं हमारे, मैं उनको कहूँगी कि आए और आदरणीय गोविंद भाई का स्वागत करें।
आदरणीय उपल जी हमारे पार्क में रोज आते हैं, बहुत सौम्य प्रवृत्ति के हैं, इनको अक्सर देखती हूँ, बहुत शांत स्वभाव के हैं ये। इनके साथ आदरणीय हरजिंदर भाई हैं हमारे, ये सोशल मीडिया देखते हैं, ये सोशल मीडिया पे पूरी अवेयरनेस फैलाते हैं गोविंद जी के लिए। आदरणीय प्रेम जी, आदरणीय प्रेम जी भाई अरजिंदर जी का स्वागत करेंगे। थोड़ा सा अच्छा, ये सारा सोशल मीडिया देखते हैं और पूरी कवरेज करते हैं भाई जी के फंक्शंस की। यहाँ पे हम अगर 50 लोग हैं तो ये 5000 लोगों तक पहुँचाते हैं ये सारी अवेयरनेस। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आदरणीय भाई धीरज गुप्ता जी से, ये भी आयुर्वेद और घरेलू चिकित्सा से जुड़े हुए हैं और हिम्स चंडीगढ़ में भाई विश्वरूप चौधरी जी, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी के साथ काम करते हैं और बहुत असाध्य रोगों का इलाज भी करते हैं। मैं आदरणीय बाटला जी, जगत मामा जी, इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आए और इनको अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यह पधारने का, मैं आप लोगों का आशीर्वाद दे दूँगा। आदरणीय नागपाल जी स्वागत करेंगे गोविंद भाई जी का। चालू है। वंदे मातरम सभी को। मैं धीरज गुप्ता, मैं प्रॉपर उत्तर प्रदेश से हूँ और पिछले 15 साल से मैं मुंबई में एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक का मेरा बड़ा शॉप है, मतलब बड़ा नहीं, छोटा सा ही शॉप है पर मेरे लिए बहुत बड़ा है। और पिछले 3-4 सालों से मैं राजीव दीक्षित जी के विचारों को सुन के और उनको जो है जीवन में उतार लिया। तो मुंबई जैसे नगरी में मैंने मेरी जितनी प्रॉपर्टी थी मैंने किसी को दान देके छोड़ के मैं इस फील्ड में उतर आया हूँ। और 2020 में जब कोरोना का माहौल आया उस समय हमारे जो गोविंद भाई हैं, गुरु जी हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन से, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी हैं, राजीव भाई के आशीर्वाद से मैंने कोरोना काल में करीब 1000 लोगों को मैंने ठीक किया। पिछले 10 महीने से मैं टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे 24 घंटे वहाँ पे कैंप लगा के A to Z सभी बीमारियों का इलाज, घर के जो औषधि है जिन्हें हम मसाले बोलते हैं उसके माध्यम से, होम्योपैथी के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से, मोक्षा थेरेपी के माध्यम से मोटिवेट करके जिस तरीके से पेशेंट ठीक होते थे उस तरीके से मैं उनको 24 घंटे वहाँ पर मैं सेवा दे रहा था। और इस समय मैं हिम्स हॉस्पिटल डेराबसी चंडीगढ़ में, जहाँ पे कैंसर किडनी जैसे जो असाध्य रोग है उनका हम इलाज देते हैं। और मज़े की बात यह है कि लोग को जब हम फ्री में बताते हैं ये चीज़ें
जब हम ये चीज़ें फ्री में बताते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, पर आप मानेंगे नहीं, वहाँ का चार्ज जो है बहुत ज़्यादा है। मैं लोगों को मना करता हूँ, आप आइए ही मत। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो घर पे ही कर लीजिए, और अगर ठीक होना रहेगा तो आप घर पे भी ठीक हो सकते हैं, नहीं तो वहाँ आने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो वहीं पर मैंने एक अपना जो है रसोई घर का एक औषधालय बनाया है, छोटा सा काढ़ा सेंटर बनाया है, और वहाँ पे जितनी भी इमरजेंसी मेडिसिन बनती है लगभग सब मैं गोविंद भैया के आशीर्वाद से, वो सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेन कर दिए हैं और उनके आशीर्वाद से मैं वो सब चीज़ें बनाता हूँ और अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं। और वहाँ भी लोगों को मैं ये मोटिवेट करता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें मैं फ्री में घर पर बताता था तो शायद आप विश्वास नहीं करते थे, पर आज यहाँ पर आप पैसे भर रहे हैं तो आपको इससे फ़ायदे भी मिल रहे हैं और आपको विश्वास भी हो रहा है। तो हमें पहले रसोई घर को जान लो, अपने भोजन को पहचान लो, हम लोग एक नारा लगाते हैं और इसी नारे पे हम काम करते हैं, और लोगों को बड़ी से बड़ी बीमारी जो है छोटे तरीके से कैसे हमको ठीक करना है इसी के माध्यम से जो है हम इलाज दे रहे हैं। तो यही मेरा काम है, यही मेरा छोटा सा परिचय है, इस तरीके से मैं कार्य कर रहा हूँ। बाकी भैया बताएंगे इसके बारे में, बीमारियों के बारे में ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, और उसके बाद अगर कुछ सवाल जवाब रहेगा तो हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं आप जैसी बड़े भाई जो माता पिता के तुल्य हैं उन सभी के सेवा में उपस्थित हूँ। मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना। मेरे बारे में तो आप सभी, मेरे पूरे परिवार और जानकारों के बीच में चिकनगुनिया का असर आ गया था और लगभग काफ़ी पैसे खर्च हो रहे थे, उस वक्त मुझे भी हो गया और मैं ऑफिस जाना मेरा रोज़ का काम था तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था। उसी बीच में मेरे को राजीव भाई का एक वीडियो क्लिप व्हाट्सएप के माध्यम से आया और उसमें एक दवा का नाम था ओसिमम सेंटम और तुलसी के काढ़े का सेवन था। मैं घर पहुंचा और उसे पिया और सुबह स्वस्थ होके ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचा, वहां भी लड़के बीमार थे, उनको भी यही चीज़ दिया और वो भी स्वस्थ हो गए ऑफिस में। तो मैं बहुत ही ताजुब हुआ कि जहां मेरे के 2-2 लाख रुपए रिश्तेदारों के लग गए, 50,000 लग गए मेरी बहन को, मतलब कई सारे पैसे लग गए थे चिकनगुनिया में, और मेरा सिर्फ तुलसी के काढ़े से हो गया। तो मैं इसे और जानना चाहा और जो आवाज़ सुनी थी कानों में, उस आवाज़ जो भाई राजीव दीक्षित जी की थी, मजबूर कर दिया मुझे कि मैं दिन रात ऑफिस में रह के सारे उनके वीडियो और ऑडियो डाउनलोड करके सारा सुन लिया। और सुनने के बाद तो भजन काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी पेट से भरे थे, क्योंकि ऑफिस में लोगों को बोलता था नहीं पीना, खड़े होकर पानी नहीं पीना, 1 घंटे बाद पानी पियो। थोड़े दिन समय लगा लेकिन 6 महीने बाद ही उन लोगों के काफ़ी सारे परिणाम नज़र आए, तो मेरा भी विश्वास बढ़ा कि ज़रूर बहुत अच्छा काम है, इस काम को और करें। और राजीव भाई के व्याख्यान में यही चीज़ मुझे जानने को मिला था कि हमें जो जीवन में करना है मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो त्रैहिक दुखों को दूर करने का प्रयास करना है। त्रैहिक दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो दैहिक दुखों के लिए रसोई घर की जानकारी लेनी शुरू करी, होम्योपैथ आयुर्वेद की जानकारी लेना शुरू किया। भौतिक दुख को दूर करने के लिए मैंने प्रण अपने आप में लिया है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ लेनी है और सामने बेचने वाले 2 लोग हैं, एक जो एसी में बैठे हुए हैं और अच्छा दुकान है और एक बाहर रेडी वाला, और मेरी दोनों चीज़ें दोनों जगह पे उपलब्ध है, तो मैं सबसे पहले उस इंसान से लूँगा जो बाहर रेडी पे है। मैं उसकी भौतिक दुखों को दूर करूँगा, ये मेरा अपना है। और दैविक में कि जब भी आपदा विपदा आएगी तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए समाज को जो सामने होंगे उनको सुरक्षित करूँगा। तो कोरोना काल जैसे ही आया
वायरस जो आए जो भी है नहीं है उस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो जैसे ही मुझे मालूम आया कि हमारे देश पे, हमारे परिवार पे, हमारे समाज पे, ब्रह्मांड पे विपदा आ चुकी है, उस विपदा से निपटने के लिए मैं कर सकता था व्यक्तिगत तौर पे, सामाजिक तौर पे, सोशल मीडिया के माध्यम से वो मैंने किया। घर घर जाकर सबसे पहले बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर, जो 2 गज की दूरी थी उसे दूर किया, क्योंकि जब तक डर नहीं ख़त्म करेंगे तब तक हम किसी को हिम्मत देना ज़रूरी था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस जो 2 साल में हुआ वो डर का व्यवसाय हुआ, और वो 2 सालों में डर के कारण आज उसका दुष्प्रभाव जो नज़र आ रहा है। आज भी मेरे पास कई फ़ोन आते हैं, इतने ज़्यादा कई लोग बीमार हो चुके हैं मानसिक रूप से, कई आर्थिक, किन्हीं की आर्थिक मजबूरी हो गई उसकी वजह से नुकसान हुआ, तो इन सब चीज़ों को दुख लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मुझे मिला, मुझे क्या मिला है, मेरे अंदर एक ऐसी विश्वास जगी है कि जिस जमाने में आज की डरावनी पैथियाँ, चाहे कोई भी हो, आज के, मैं ये नहीं कहता कि आयुर्वेद सगा है, होम्योपैथ सगा है, चिकित्सा एक व्यवसाय हो गया है, इसलिए मैं किसी को सगा नहीं कह सकता। इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप को अपने पुरानी परंपराओं के अनुसार चलना पड़ेगा कि जहाँ पे दादा दादी नानी चाचा, कभी कुछ हुआ, पेट में दर्द हो रहा है, जो उन्हें मालूम था, दादी नानी मौसी बीवी उसकी जो भी रहते थे उसकी मदद करते थे, उसके बाद नहीं आराम पड़ा तो बगल के वैद्य से जाते थे या किसी और से पूछते थे, लेकिन वो फिर स्वस्थ हो जाते थे। मतलब उनको डर को तो पैदा ही नहीं हुआ। आज अगर छोटी सी कोई चीज़ होती है, मान ले पेट में यहाँ पे दर्द है, तो मिनट में हर इंसान इतना जागरूक हो चुका है, इतना गूगल चाचा और बहुत सारे डॉक्टर आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो सगे रिश्तेदार हैं, वो आपको ये बताने को तैयार हो जाते हैं कि ये दर्द को मामूली मत समझना, कहीं ये कैंसर ना हो, ये दर्द को मामूली मत समझना, कहीं अंदर सड़न ना हो। मुझे ये बताइए, जब ये सड़न वाली शब्द नहीं थे तब लोगों का जीवन नहीं था क्या? मतलब मुझे इसी बात का दुख है कि डराते क्यों हैं लोग। मेरी माता जी को, मैं 92 की बात है, जब मैं 13 साल का था, मेरी माँ की तबीयत ख़राब हुई, तो हम उस वक्त पटना में एक हॉस्पिटल बना था IGIMS, वहाँ पे मैं माता जी को इलाज कराने के लिए ले गया। वहाँ पे कई सारी जांचें हुई, बहुत सारी जांचें हुई, उन्होंने दवाई दी। मैंने उनसे पूछा जी मेरी माता जी को क्या हुआ है, करे दवाई दी है ना, दवाई खाओ, आपकी माता जी ठीक हो जाएंगी। मैं कहा जी वो जो रिपोर्ट आई थी वो बता दो, करे उसका तुम क्या करोगे। और मेरी माता जी, विश्वास कीजिए, उसके बाद 20 सालों तक उनको हॉस्पिटल की शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर मैं आज भी उस रिपोर्ट को देखने जाऊँ, जो स्थिति थी, तो शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई भयंकर बीमारी रही होगी जो इतना बड़ा पर्चा निकला था। लेकिन पहले के ज़माने में डॉक्टर इतने ईमानदार थे कि आपको डराते नहीं थे। और आज तो खैर डॉक्टर क्या डराएं, हम खुद ही कहते हैं जी हमें बता दो, हमारी रिपोर्ट दो, हमें क्या है क्या नहीं है, क्यों होता है, कारण पूछते रहते हैं, इसका क्या कारण। मेरे पास कई फ़ोन आते हैं, भैया मेरे बच्चे को उल्टी हो रही है, क्या हो सकता है, क्यों हो गया। मैंने कहा हद हो गई यार, उल्टी कोई नई बीमारी थोड़ी है, पूरी ज़िंदगी होती रहती है, इसको जो चीज़ें हैं उसको खिलाओ पिलाओ ठीक हो जाएगा। भाई सोचने की बारी तब है जब ये उल्टी आपके लंबे समय तक चल रही, फिर हम सोचेंगे कि भाई ये क्या कारण है। नहीं तो शुरुआत तो ऐसे ही करते हैं। कई लोग हैं जो काम पे जाना चाहते हैं, जिनका व्यक्तिगत रोज काम है, पेट में दर्द होता है और काम पे जाना जरूरी है, उस वक्त उनका ध्यान नहीं रहता कि पेट दर्द हो रहा है, उस वक्त काम पे चले जाते हैं। कई सारे, मैं मजाक में ही एक बात बताऊं, जितनी भी शादियां होती हैं, दूल्हा और दुल्हन को बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफें हो रही होती है उस वक्त अपनी सारी बीमारी भूल चुके होते हैं, शादी पहले निपटा लेते हैं। कोई ये कहे कि हाँ जी मेरे शादी के दौरान पेट में दर्द हो गया था, उल्टी जैसा मन हो रहा था, मैं वहाँ से छोड़ के हट गया, पहले शादी कर ली उसके बाद किया। यानी जो इंसान को ज़रूरत होती है उस वक्त हिम्मत आती है, तो उस तरीके से अपनी निडरता बनाए रखें। मैं आप सभी से यही विनती करना चाहता हूँ कि रसोई घर एक ऐसा औषधालय है जहाँ आपको हर मसाले की पूरी अच्छी पहचान है। अगर मैं यहाँ पे बैठे आपको बोलूँ कि आपको आयुर्वेद का निर्गुंडी सेवन करने से आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा, तो आप निर्गुंडी की आपको पहचान नहीं है, आपको उसकी पहचान नहीं है तो डर लगा रहेगा। लेकिन अगर उसी तरीके हमने बताया कि अजवाइन को आप लें या गुड़ को लें या मेथी लें या सौंठ लें, तो आपको मालूम है कि ये सौंठ है उस मसाले में डलता है, ये हम पहचानते हैं, कोई आपको ठग नहीं सकता। इसलिए रसोई घर के मसाले और पूरी ज़िंदगी, आज भले कुछ लोग
नेचुरोपैथी की तरफ, कुछ अपने प्राकृतिक भोजन की तरफ चले जाते होंगे, लेकिन पिछले कुछ समय जितना भी ब्रह्मांड का समय रहा है उन्होंने भोजन किया है और उस भोजन में मसाले डले हैं। सिर्फ हफ्ते में एक दिन खिचड़ी बनती थी जिस दिन हल्दी डलता था और नमक डलता था। बस हमारे यहाँ हर शनिवार को खिचड़ी खाने का रिवाज रहा है। वो क्यों रहा है वो आप समझ सकते हैं कि आज जो पहले का भी है कि हम खाते खाते पेट भारी हो गया तो चलो जी एक दिन का उपवास कर लिया, एक दिन खिचड़ी बना ली, एकादशी का व्रत कर लिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारी परंपराओं में बनी हुई थी कि अपने आप बॉडी डिटॉक्स होता रहता था, शरीर के अंदर परिश्रम था पहले, अब परिश्रम नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं एक ही बात, मेरी इच्छा है दिल में कि हर माँ बहन बेटी भाई, मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि आज 25 साल की बहुतों की माताओं की बेटियां हैं, उनसे पूछें आपके बेटी क्या कर रही है, करे बस पढ़ाई कर रही है। मैंने कहा जी खाना बनाना आता है, करे नहीं क्या अभी पढ़ाई करेगी। मैंने कहा अच्छा जी बहुत बढ़िया, हम तो उस ज़माने से हैं जो 10 साल की उम्र में मुझे भी खाना बनाना आता था और आज 10 साल की उम्र में मेरी बेटी को भी खाना बनाना आता है। अगर हमने अपने घर में ही सबसे पहले अपने घर को नहीं पहचाने, रसोई को नहीं पहचाने, अपनी परंपराओं को नहीं पहचाने, अगर आपकी 25 साल की बेटी है और आप कहीं चले गए और आपके घर में कोई मेहमान आए उसे कुछ बनाना नहीं आता है तो उसके संस्कार नहीं है तो क्या देगी? बाहर से रेडीमेड चीज़ ला के दे देगी, सेवा तो करेगी भाई, एक संस्कार है कि जो आया है उसको कुछ खिला पिला दें, वो कहीं ना कहीं से ला के देगी, लेकिन अतिथि का क्या होगा? बाहर से चीज़ें ला के अगर हम खिलाएँगे तो अतिथि बीमार पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे शरीर बचाना है, संस्कार बचाने हैं, समृद्धि बचानी है, ये तीनों चीज़ों को बचाना हमें बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अपने रसोई घर में सबसे पहले शुरुआत करें। छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उसके लिए हर वक्त अप्राकृतिक दवाएं ना लें। प्रकृति में बहुत सारी दवाएं हैं, क्या कर सकती है रसोई, इसको अगर आप लोग व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहते हैं तो मैं आपसे सभी से विनती करूंगा कि एक बार स्वस्थ समृद्ध परिवार YouTube नाम का चैनल बनाया है, उस चैनल पे मेरा नहीं आप लोगों के द्वारा रसोई घर के मसालों से उपयोग करके कोई मिनटों में, कोई 10 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई महीने में, अभी परसों एक पिछले 26 साल से जलन की समस्या और गैस की समस्या, जलन ऐसी होती थी कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब चाहे गले में जलन हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, बाहर की तरफ जलन हो रहा है, सर की तरफ जलन हो रहा है, तो उनका फ़ोन आया कि भैया आपने जो मुझे बताया उससे मेरे को 50-60% आराम है, अभी मुझे एक महीना हुआ है, जबकि वो पिछले 20 साल से हर हॉस्पिटल पतंजलि या जितने भी बड़े बड़े आयुर्वेद संस्थान हैं, जीवा शुद्धि, हर जगह की उन्होंने दवाइयां खाई, नेचुरोपैथी के उपवास भी रख लिए, फ्रूट्स भी खा लिए, लेकिन उसको ठीक करी तो सौभाग्य हमारा कि वो धनिया ने उसे पूरी तरह से 50% तक में एक महीने में सही कर दिया है, तो आने वाले समय में और सही हो जाएंगे। तो ज़रूरत है जानने की, पहचानने की, तो उसी चीज़ को जानने के लिए, विश्वास जगाने के लिए मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। चिकित्सा मैं करता नहीं किसी की, मैं सेवा करता हूँ। सामने वाले बताते हैं, मैं उनको बोलता हूँ मैं एक भाई और एक बेटा होने का फ़र्ज निभा रहा हूँ, जो मुझे मालूम है मैं बता दूंगा और जो नहीं मालूम है आपके लिए समय निकाल के पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा, और उससे भी नहीं है तो जो मेरे जानकारी में मिली है, जैसे कई सारे जानकार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर कोई कैंसर पेशेंट्स होता है तो मुझे अब जानकारी मिली है कि गुजरात में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पूरी तरह से आयुर्वेद पे इलाज होता है और वही इलाज करते हैं जो राजीव भाई बताते हैं और हम लोग कर रहे हैं, घर में बताते हैं, तो उनका खान पान का देसी गाय के गौ माता का गव्य देते हैं और निशुल्क देते हैं पूरी चिकित्सा। तो अब मैं आंख बंद करते ही कोई भी बंधु आते हैं कि मुझे कैंसर से, मैं कहा जी सबसे पहले आप वहां जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी समृद्धि का नाश हो। चाहे हो सकता है कोई और हॉस्पिटल हो जो बहुत अच्छी जल्दी ठीक करे, लेकिन वो 50 लाख रुपए ले ले और ठीक कर दे तो 50 लाख में करोगे क्या भाई? पीछे वाले भी तो हैं। तो हमें सबसे पहले स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, समृद्धि का भी ध्यान रखना है, संस्कार का भी ध्यान रखना है। बताने को, कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं, दिल में बहुत सारे अरमान हैं। मेरी तो इच्छा है कि ये जो जागरूकता अभियान है स्वदेशी चिकित्सा के प्रति, अब हमने एक विनती करनी शुरू करी है कि आपके कभी भी कोई भी सामाजिक समारोह हो, चाहे वो जन्मदिन की पार्टी हो, चाहे शादी का सालगिरह हो, भंडारा हो, किसी भी तरह का है, आप अपने पास स्वदेशी चिकित्सा का शिविर जरूर लगाएं।
शायद उन्हीं सभी बातों का मुझे नहीं मालूम था कि मंजू दीदी के शादी की सालगिरह है, तो मैं उनको सबसे पहले तो हार्दिक बधाई देता हूं और मैं भगवान से विनती करता हूं कि उनकी जोड़ी सलामत रहे और हमें भी इसी तरीके से उनकी उम्र तक जोड़ी सलामत रखे। तो बहुत सारी बातें हैं इस वक्त हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने एक अभियान निकाला है और उस अभियान में मेरी विनती है कि आपके शादी समारोह होता है, क्योंकि हमने इस चीज़ को कर दिया है शादी समारोह। पिछले साल दिसंबर में अमेरिका के चंद्रकांत भाई पटेल, उनकी बेटी की शादी थी अहमदाबाद में, तो उन्होंने हमें बुलाया कि आपको बेटी की शादी में आना है भैया। मैंने कहा जी मैं आपकी बेटी की शादी में आऊँगा ज़रूर, लेकिन मेरे लिए अगर आप छोटा सा काम करें कि एक काउंटर अलग बना के दे दें, जहाँ गोलगप्पे का काउंटर होता है वहीं पर बगल में हमारा चिकित्सा का काउंटर रहेगा। भाई जिनको लेना है चिकित्सा, जिनको जानना है आ जाएँ। और उस अभियान को हमने शुरुआत करी तो वहाँ से इस तरीके से अभियान चालू हुआ, फिर क्रिकेट का मैदान हुआ, क्रिकेट के मैदान में 3 दिनों का क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था सूरत में, तो वहाँ पे भी स्वदेशी चिकित्सा शिविर लगाया गया। कल भंडारा था अपने दिल्ली के पीओ में, ऑफिस में काम करते हैं सुमित शर्मा जी, तो उनकी माता जी के पुण्यतिथि पे और जो भी था तो उस पर उन्होंने भंडारा रखा था। तो भंडारे पे उनका फ़ोन आया कि भैया मेरी माता जी का भंडारा है, आपको आना है। मैंने कहा जी मैं जहाँ भी आऊँगा वहाँ शिविर लगाऊँगा, मतलब शिविर इन द सेंस कि मेरा पर्पस है कि जो मुझे मालूम है, जो मैं रसोई घर के बारे में जानता हूँ वो लोगों को दिल से बताऊँ, उनके बारे में बताऊँ कि अगर आपके पेट में दर्द है तो सबसे पहले रसोई घर को, क्योंकि एक छोटी सी बात, क्यों रसोई घर को, रसोई घर को भी छोड़ जाइए, आपका छोटा बच्चा गिरता है सबसे पहले क्या करते हैं, क्या उसको दवा देते हैं? नहीं, उसको गोदी में उठाते हैं और उसको हौसला देते हैं जो आप कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, छोटा बच्चा, बड़ा, बड़े भी इंसान गिर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और हौसला देते हैं। तो हमारी इसी तरीके से काम करना है कि अगर हमें कोई कष्ट हुए हैं, शारीरिक कष्ट हुआ है, तो अपने रसोई घर, अगर औषधियों की बात करें तो सबसे पहले रसोई घर, उसके बाद जो भी आप पैथी अपनाना चाहते हैं, चाहे होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो। अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं बात करूँ तो छोटे बच्चों को होम्योपैथ चिकित्सा दें, होम्योपैथ सबसे सुरक्षित चिकित्सा पैथी है छोटे बच्चों के लिए। ऐसे तो सबके लिए सुरक्षित है लेकिन छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। आज मैं 43 साल का काफ़ी समय से बीमार नहीं हूँ, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब हम बचपन में बीमार पड़ते होंगे तो शायद मेरे को मम्मी पापा ने कभी हॉस्पिटल नहीं लेके गए, आए दिन जुकाम लगा तो जुकाम की दवाइयाँ नहीं खिलाई, जो नाक बहते थे, कपड़े ऐसे कर लेते थे, तो शायद उस वक्त दवाइयाँ नहीं खिलाई, तो इसकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, हमें इम्यूनिटी सिस्टम जो भी कहते हैं। तो अपने बच्चों को अप्राकृतिक दवाओं से बचाएं, उनको अगर जुकाम है तो बच्चों को नहीं लगेगा तो बच्चे के बाप को लगेगा, अब बच्चे के बाप को लगेगा तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो नाक बच्चों की बह रही है, बहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को बुखार है, कोई दिक्कत नहीं, बुखार से अभी तक कोई भी इंसान नहीं मरा है। मैं पिछले 5 सालों में व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता हूँ कि 5 सालों में चाहे 104 का बुखार मैंने फ़ोन पर सुने हैं, फ़ोन पर ही हैंडल किए हैं, मरा कोई नहीं, मरा वही जो डरा। और बुखार कि आपकी बात करूँ कि अगर आपको लगता है कि बुखार से मृत्यु हो सकती है तो एक ही लक्षण में हो सकती है, अगर आंखें बाहर आ रही हो तो आप बिना सोचे समझे, बिना किसी गोविंद भाई की बात किए, जो आपके नज़दीक में कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करें, सबसे पहले तो उसे गिल्ली पट्टी करते रहें। और जो नज़दीक में जिस पैथी को भी, जो उसको बुखार को कम कर सकता है, उस वक्त वो दवा दे दीजिए, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो, चाहे वो जहर ही, अगर आंखें बाहर की तरफ आ गई है और सामने वाला अटपटा बड़बड़ाने लग गया है, उसको बोलने पे कंट्रोल नहीं है, तो वो उस बुखार को आप जहर देके भी ठीक कर लो, उसके लिए पूरी इजाज़त है। उसके अलावा ऐसे बुखार से कोई भी इंसान की मृत्यु नहीं होती है, चाहे जितना मर्जी बुखार हो जाए। कल कुछ दिन पहले की बात है, 3 महीने के बच्चे को 102 का फीवर था, फ़ोन आया भैया 102 का फीवर है। मैं कुछ नहीं करो, थोड़ा सा गिल्ली पट्टी कर दो, आपके घर में होम्योपैथ की दवा है? क्योंकि मेरे से जो भी जुड़े हुए हैं उनके घरों में कुछ ना कुछ होम्योपैथ की दवा होती है। तो उन्होंने बोला भैया हाँ हाँ मेरे घर में एकोनाइट है। मैंने कहा एक एक बूंद दो, जायफल घीस के चटाओ, जायफल घीस के लगाओ, दालचीनी लगाओ, सुबह एक बार बताना। रात को फोन, सुबह मैंने पूछा क्या हाल कैसा है, कह रहे भैया थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा था तो मैंने पैरासीटामोल का जो बच्चों की सिरप आती है वो 2-4 बूंद 10 बूंद। मैंने कोई बात नहीं, इतना तो देखिए हर माँ बाप चाहता है कि कोई
भी, मैं भी अपने बच्चों को, मैंने क्या बोला कि हमें अपने शरीर को बचाना है, चाहे जैसे भी बचाएं, लेकिन बचाने के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी कोशिश ये करना है कि अप्राकृतिक दवाएं ना डालें। जो भगवान ने हमें शरीर दिया है उस शरीर को प्राकृतिक रूप से मतलब रखें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो आप लोगों से मैं विनती करता हूँ, आज मैं जैसे मैंने दीदी को बताया था कि अमृत धारा, जब मैं पिछले कोरोना काल में लोगों के घर जाने लगा और उनके सैनिटाइज़र को हटाने लगा और उसकी जगह पे अमृत धारा का इस्तेमाल कराया, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, अमृत धारा का इस्तेमाल कराया, धीरज भाई ने हिम्स हॉस्पिटल में अमृत धारा का बहुत अच्छे प्रयोग करते हैं मसाज करने के लिए, सांसों की तकलीफ़ के लिए, हर चीज़ के लिए। तो उस तरीके से जब मैं गया तो कई घरों में मुझे ये जानने को मिला कि ये कहती थी बुजुर्ग सी, ये तो मेरी दादी बनाती थी, रखती थी। तो मैं कहा अब आप दादी नहीं रही क्या, आप किसी बच्चे की दादी नहीं है, आपकी दादी ने किया और आप अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं कर रहे हो, भूल गए? अगर बेटा वो डॉक्टरों का ज़माना आ गया। मैंने कहा जी यही बात है, सबसे बड़ा बात है। तो वही अमृत धारा कैसे बनाया जाता है उसके लिए मैं आपको बताऊं, उसके बाद हम बात करेंगे। अमृत धारा के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए, एक अजवाइन सत, पुदीना सत, भीमसेनी कपूर। ये तीनों आपको पंसारी पे आयुर्वेद का जो भी नज़दीकी स्टोर होगा वहाँ पे मिलेगा, आप उसे बराबर मात्रा में ले आएं और ऐसे कांच के बर्तन में डाल के छोड़ दीजिए, एक घंटे के अंदर वो तीनों चीज़ें लिक्विड हो जाएगी, पानी मिल जाएगा, पानी की तरह बन जाएगा, वो अमृत धारा कहलाता है। ये अमृत धारा पेट के लिए बहुत अच्छा है, सर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, खुजली के लिए बहुत अच्छा है, जलन के लिए बहुत अच्छा है, उल्टी के लिए बहुत अच्छा है, चक्कर आता हो तो बहुत अच्छा है, दर्द हो रहा है तो बहुत अच्छा है, चाहे सर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, और बहुतों को बहुत गर्मी लगती हो, एसी का खर्चा बढ़ गया हो, एसी हमेशा चलाना पड़ता हो, तो मैं उनको कहूँगा कि आप अपनी एक बाल्टी पानी में जो स्नान करने वाला पानी है उसमें 5 बूंद अमृत धारा की डाल लें, उसके बाद स्नान कर लें, 4 घंटे तक आप एसी ऑन नहीं करेंगे। इतनी कूलर अगर चल रहा हो तो कूलर का मोटर, पानी का मोटर बंद कर देंगे, इतनी अच्छी है अमृत धारा। पिछले साल 2 सालों से कई भाइयों ने बताया कि भैया वाकई आपने कहा और हमारी एसी का खर्चा काफ़ी हद तक कम हो गया, आपको मच्छर काटते हैं तब भी आप अमृत धारा को लगा सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है अमृत धारा को लगा सकते हैं, जोड़ों में दर्द हो रहा है अमृत धारा को लगा लें, पेट में दर्द हो रहा है अमृत धारा की 2 बूंद सेवन करें, उल्टी हो रही है अमृत धारा का सेवन करें, खुजली हो रही है अमृत धारा का सेवन करें, कहीं बिच्छू कीड़े मकोड़े काट गए हैं उसमें जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, सूजन आ गया है, अमृत धारा को लगा लें। तो अमृत धारा बताने की सबसे सरल विधि, आयुर्वेद जगत की आसान औषधियों में सबसे आसानी से बनने वाली औषधि है अमृत धारा। तो इस तरीके से अब मैं थोड़ी सी आपको बताऊं कि हमारे रसोई घर में, अच्छा तो मुझे अब कम से कम अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि हमें जब पता चला था कि रसोई घर में ताकत है तो हमारा विश्वास इसलिए आ गया कि हमने कुछ देखा था, क्योंकि हमारी दादी ने हमें कभी दवाई खिलाई नहीं, तो हम सोचते थे कि जरूर बुखार रहा होगा तो कुछ तो खिलाती होगी। तो जब ऐसी कुछ सोची तो आज आप अपने बच्चों को सबसे पहले हाथ जोड़ के विनती है कि अगर उन्होंने कुछ भी बोला है, कल मेरे परसों 2 दिन पहले मेरे बेटे को दस्त लगे, फ़ोन आया ऑफिस में था, पापा मेरे 50-60 दस्त लग गए। मैंने कहा 50-60 सच बोल, कह रहा 10-12। तो मैंने कहा ठीक है जीरा ले लो, जीरा उबाल के पी लो। ठीक है, उसने जीरा उबाल के पिया, मैंने भी, क्योंकि मुझे मालूम है दस्त है ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली बात नहीं है। और ऐसे आप लोगों के आशीर्वाद से रसोई घर की और भी औषधियाँ हैं। तो शाम को मैं फ़ोन किया कि कैसा है, कह रहे ठीक हो गया। तो ठीक है, 10-12 दस्त हो रहे थे, 10 साल का लड़का था, कमज़ोर, पूरा आंखें मतलब उतर गई थी सारी चीज़ें, लेकिन वो ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने उसको डराया नहीं, जैसे हम डरते और उसको डराते तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप जो भूल चुके हैं तो आप उन्हें याद करें और अपने बच्चों में संस्कार भरें, संस्कार भरें रसोई घर के बारे में। मुझे बहुत हैरानी होती है जब मैं फ़ोन के माध्यम से कई लोगों से बात करता हूं, उनको बताता हूं कि सौंठ ले लो तो कहते हैं सौंठ कैसा होता है, अजवाइन ले लो तो अजवाइन कैसा होता है, मतलब ऐसी ऐसी भी हमें सवाल मिलते हैं सुनने को। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को रसोई घर से परिचय कराएं, बहुत सरल है। अगर गलती से आपने किसी ने बोल दिया जी आप अजवाइन खा लो,
खा लिए नहीं ठीक हो गए तो नुकसान क्या हो गया, नुकसान क्या हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने रसोई घर को पहचाने, अपने और भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों में, पहले तो मैं 3 व्याख्यान बोला करता था कि सुनिए, मैं अब कहता हूँ कि आप 2 व्याख्यान, वो 3 छोड़ दीजिए, चिकित्सा वाला भी छोड़ दीजिए, स्वस्थ रहने वाला भी छोड़ दीजिए, अब आप सुनिए जीवन जीने की कला और कार्यकर्ता के नियम। कार्यकर्ता के नियम के नाम से वो आपको मिलेगा, लेकिन आप उसको कार्यकर्ता को हटा के उस शब्द की जगह पे अपने आप को इंसान डाल दीजिए। इंसान का क्या नियम होना चाहिए, इंसान के क्या गुण होने चाहिए, दूसरों के प्रति, संस्था के प्रति, समाज के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने परिवार के प्रति, ये सारी चीज़ें मात्र इन 2 व्याख्यानों में भरा पड़ा है। तो बहुत ही सरल तरीके से उनकी वाणी एक ऐसी वाणी कि जब सुनते हैं तो बंद करने का मन नहीं करता। तो मैं आप सभी से इसी के साथ विराम चाहता हूँ, और आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप प्रश्न रख सकते हैं। बताने को 5 साल का अभी है तो बहुत कुछ है, हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता है। अब एक छोटी सी बात अब याद आ गई तो बताता हूँ कि कैंसर GTB हॉस्पिटल से एक 65 वर्षीय पिताजी, मतलब बुजुर्ग जो पिताजी की उम्र के हैं, उनको लीवर का पेट के कैंसर पे GTB ने हाथ खड़े कर दिए, और वो क्या कहते हैं चैंपियन ड्राइवर। तो फ़ोन आया कि भैया मेरे जानकार में चैंपियन ड्राइवर, उनके पिताजी की ऐसी ऐसी दिक्कत है और ब्लीडिंग हो रही है हर जगह से, चाहे आँख से है ना, मैंने नाक से है, मुंह से है, मूत्र से है, मल से है, हम कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा जी मैं एक बेटा होने का फ़र्ज निभाऊंगा, जिस तरीके से उसका बेटा उनके आखिरी समय में सेवा कर रहा है, तो मैं भी जो चिकित्सा मुझे जानता हूँ मैं उनसे उनकी मदद करता हूँ कि उनके कष्टों को दूर कर सकूँ। और मात्र 1 दिन में उनकी ब्लीडिंग रुक गई और चेहरे पर रौनक आ गई। तो अगर ये चमत्कार हो सकता है आखिरी समय में, तो मैं मानता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि हम हर रोग से लड़ सकते हैं, हर रोग को जीत सकते हैं। बैटरी डाउन है क्या? तो अच्छा, तुम मैं मुझे जो ये चीज़ हुई ना कि एक कैंसर के आखिरी स्टेज के हॉस्पिटल से खड़े करके माँ बाप बच्चे उनकी सेवा कर रहे थे, और रसोई घर की नीम का तेल, अब मैं आपको छुपाना नहीं चाहूँगा, नीम का तेल सिर्फ 5 बूंद 1 चम्मच दूध में हर 2-2 घंटे पे पी रहे थे, और फिटकरी का पानी, फिटकरी अपना 1 चने के दाने के बराबर फिटकरी 1 कप पानी में डाल के उबाल के ठंडा करके रख दिया, और आधा आधा चम्मच वो फिटकरी का पानी पिए, तो 24 घंटे में उनकी रौनक आ गई। ठीक नहीं हुए, मैं मुझे भी मालूम है कि नहीं ठीक होंगे, लेकिन मैंने, मुझे इस बात की खुशी है कि नीम का मैंने रसोई घर की चिकित्सा ने उनको चेहरे पे रौनक ला दिया, उनके ब्लीडिंग को रोक दिया, उनके कष्टों को कम कर दिया, तो एक बेटे होने का फर्ज तो निभा ही दिया। तो इसीलिए मुझे और ज़्यादा मन करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाऊँ कि परंपराओं का ज्ञान अद्भुत ज्ञान था, परंपराओं में जो औषधियाँ दी जाती थी वो सारी की सारी सुरक्षित थी, उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। किसी आप बुजुर्ग हैं दादाजी की उम्र के मेरे सामने बैठे हैं, ये अगर अपने दादाजी के थोड़े से ज़माने को याद करेंगे तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि उसकी दादी ने कुछ खिला दिया और उसका बच्चा दिक्कत हो गई, या उन्होंने कुछ खिला दिया, बुखार लगा था कुछ खिला दिया, वो पैरालिसिस हो गया। लेकिन आज आप दूसरी सभी पैथियों में, मतलब मैं यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे किसी एक को नहीं कह रहा, लेकिन जाने अनजाने हर किसी की, किसी न किसी की दवाओं की वजह से दुष्प्रभाव हो रहा है, चाहे वो आयुर्वेद वाले दे देते हैं या एलोपैथी वाले दे देते हैं, कहीं ना उनका मकसद नहीं होता होगा, ये मुझे भी मालूम है। कोई भी इंसान किसी को भी नहीं नुकसान पहुंचाना चाहता, लेकिन दवा की मात्रा और दवा के सही चयन ना होने की वजह से शरीर का नुकसान हो जाता है। लेकिन रसोई घर की औषधियों का चयन पिछले कई पीढ़ियां इस बात का गवाह है कि जो भी अगर 60 साल 50 साल मैं 43 साल में पीछे झांक के देखता हूँ, 10 साल 33 साल पुरानी, और उनके गांव घर के सभी को देखता हूँ, तो मुझे, मैं दावे से कह सकता हूँ कि किसी माँ के किसी चीज़ को खिला देने से,
किसी दादी के, किसी नानी के, किसी मौसी के खिला देने से किसी भी बच्चे को लकवा नहीं आया, पैरालिसिस अटैक नहीं हुआ, वो मरा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ होगा तो दस्त हो गए होंगे, पेट का दर्द हो गया होगा, उल्टी हो गई होगी, बस। और ये तीनों सबसे साध्य रोग हैं, लेकिन अगर दवाओं के सेवन से पैरालिसिस हो जाता है, अटैक आ जाता है, कुछ किसी तरह की दिक्कत हो जाती है, तो वो बड़े दुख की बात है कि आप इतने बड़े अनुभवी और ज्ञानी होते हुए भी दवाओं का चयन सही नहीं कर पाए और सामने वाले का जीवन आप बिस्तर पर ले आए, तो इस बात का दुख है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मुझे इतनी दुआएं दें, आशीर्वाद दें कि मैं जिस मुहिम को चलाना चाहता हूँ वो मुहिम हर घर में हो, हर घर में एक शब्द हो कि रसोई घर प्रथम औषधालय है। ये बात हर बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय अगर कोई से पूछा जाए तो उसका पहला जवाब होना चाहिए रसोई घर। वंदे मातरम। देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, पिछले कुछ समय से हिम्स हॉस्पिटल में हूँ, तो वहाँ पे जैसे भैया बताएं कि अप्राकृतिक दवाओं का जो सेवन है इमरजेंसी में करिए, जरूरत पड़ा तो कर लीजिए, पर वहाँ पे करीब 30-40% 50% से ज़्यादा लोग जो आए हैं गलत दवाइयों के सेवन से ही वहाँ पे पहुँचे हैं, किडनी फेल हो गई है उनकी। ज़्यादातर ऐसे ही केस हुए हैं कि उन्होंने अपने अच्छे हॉस्पिटल में गए, बड़े हॉस्पिटल में गए ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, पर उनकी जो दवाइयों के डोजेस है, हाई डोजेस दवाइयाँ, कॉस्टली दवाइयाँ, एक्सपेरिमेंटल दवाइयाँ जो खा के उनकी किडनी फेल हो गई है, जिसका इलाज बड़ा मुश्किल से होता है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी हो पाता है। तो इसलिए भैया का कहना है, जैसे बताए कि रसोई घर को जानो, भोजन को पहचानो, इसमें एक चीज और करना है कि हमें आलसी नहीं बनना है। पहले तो करना ये है कि जैसे हम लोग पहले, जैसे जो भी हमारे मसाले हैं रसोई घर के, हम लोग साबुत लाते थे और अपने हाथ से पाउडर बनाते थे, पर आज के टाइम पे हो रहा है कि हम उसको पाउडर फॉर्म में खरीद रहे हैं। तो कोशिश यही करना है कि जितने भी मसाले हैं हमारे, उसको अपने हाथ से ही पाउडर बनाना है और प्रयोग करना है, क्योंकि पाउडर फॉर्म का जो मसाले हम लेते हैं उसमें बहुत मिलावटी होता है, वो काम नहीं करेगा, तब आपका विश्वास जो है टूटने लगेगा। अगर आप अच्छी चीज़ें लाएंगे उसकी पहचान आप कर सकते हैं, क्योंकि पाउडर फॉर्म में अगर जो दवाइयाँ रहती हैं, जो मसाले रहते हैं, उसकी पहचान हम नहीं कर सकते हैं, इसमें नुकसान हमारा ही होता है। एक तो हमारे हेल्थ में नुकसान करता है नॉर्मली, दूसरा अगर हम मेडिसिनल इसको यूज करते हैं मेडिसिन के तौर पे, तो भी उसके जो है फायदे कम आते हैं। तो कोशिश यही करना है कि हमें जो है जितने भी हम मसाले लेकर आते हैं मेहनत करना है, मेहनत करने से पीछे हटेंगे तो आपको बीमारी लगेगी ही लगेगी, कोई बचा नहीं सकता है, आप स्वयं ही हैं जो अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, और पूरे परिवार का ही स्वास्थ्य ध्यान देना है, क्योंकि घर का एक बच्चा, एक बड़ा बुजुर्ग अगर कोई भी बीमार पड़ जाता है तो पूरे घर को परेशानी होती है, पूरा घर बिखर जाता है। तो कोशिश ये करना है, अगर मैं अच्छा खाना खाता हूँ, मैं नियम दिनचर्या फॉलो करता हूँ, तो मैं स्वस्थ रहूँगा, मेरा बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा, या मेरी वाइफ स्वस्थ नहीं रहेगी, या मेरी माँ स्वस्थ नहीं रहेगी। तो प्रयास ये करना है कि जो भी दिनचर्या है वो सब लोग मिलजुल के अच्छे से फॉलो करें, कोई एक बंदा अगर दुखी है तो सब उसको संभालिए जैसे हम पहले संभालते थे। ज्वाइंट फैमिली इसीलिए पहले होती थी कि परिवार में किसी एक का दुख होता था तो दूसरे लोग आके सहारा दे देते थे, पर आज सब लोग अलग अलग रहते हैं, ये भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि मैं कुछ समय से जब मुंबई में रहा हूँ और परिवार छोड़ के रहा हूँ, तो इसका एहसास मुझे हुआ है कि हमारे बीच में जब झगड़े होते हैं मेरे वाइफ से, तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होता है, तो क्या हो जाता है कि उसमें दिक्कतें बढ़ जाती है। पर अगर वही चीज़ें जब मेरे गांव में जब मैं आया और दिक्कतें हुई, तो मेरी माँ फटाक से आ गई, नहीं झगड़े नहीं करना है। तो ज्वाइंट फैमिली बड़ी अच्छी फैमिली होती है, इसका भी ध्यान रखना है कि परिवार से दूर ना रहें। बुजुर्गों का सम्मान होना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं का ज्ञान से ही ये सब चीज़ें हम लोग सीखे हैं। मैं आपको पता नहीं रहेगा शायद, गोविंद भैया के माध्यम से हमारे जो गुरुजी हैं बड़े, राजीव दीक्षित जी, उनके वीडियो देखने के बाद हम बुजुर्गों के साथ में बैठ के बहुत सारी चीज़ें उन्हीं से सीखते हैं कि आप अपने समय में कैसे बीमार नहीं पड़ते थे, क्या करते थे। तो सबसे अच्छा जो उनका अनुभव मिला
कि वो मेहनत खूब करते थे। मेहनत करेंगे, पसीना निकलेगा तो बीमारियां कम होएंगी, होएंगी गलत तरीके से अगर कुछ खान पान करेंगे बीमारियां होएगी, पर अगर हमारा दिनचर्या और हमारा जो एक्सरसाइज है, जो हम घर के ही काम रहे या हमारा जो खुद काम है, मशीनरी का प्रयोग कम से कम करिए। मजबूरियां जहां है कर लीजिए, पर मशीनरी का प्रयोग कम से कम करिए। और घर से जैसे राजीव भाई बोलते हैं कि पांच जहर, पांच छह जहर हमारे घर में है, उसे जरूर निकाल दीजिए। उसके नुकसान क्या है ये अगर हम जान लेंगे तब हमें घृणा होने लगेगी शायद उससे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दे रहा हूँ, छोटी सी बात है बता दे रहा हूँ, और उसके बारे में उसके नुकसान क्या है उसके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारे घर में जहर है स्पेशली ध्यान उसको देना है, पांच छह जहर है, एक एक का मैं नाम लेता हूँ और उसका नुकसान बताता हूँ। देखिए आज गर्मी का समय है, सबके घर में फ्रिज जरूर रहेगा, ठीक है, पर फ्रिज जो है ये भी एक अप्राकृतिक है, ये मशीन है, हम आर्टिफिशियल तरीके से उसके अंदर जो है वो बना हुआ है, उसके अंदर केमिकल जो रहता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों जो है जहर है। क्लोरीन एक जहर है, फ्लोरीन एक जहर है, कार्बन हमारा शरीर खुद निकालते रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा शरीर खुद निकालते रहता है। दूसरा नुकसान क्या होता है कि अगर फ्रिज नहीं रहता था तो हम रोज सब्जियां ताजा लाएंगे, रोज ताजा खाएंगे, ये तो उनके लिए जिनके पास सब्जी मिलती नहीं आसपास में। हमारा तो हर दिन जितने उम्र है जितने साल हम जीने वाले, हर दिन चाहे तो एक वैरायटी का हम खाना बना के खा सकते हैं। हमारे भारत में इतने तरह के साग सब्जी फल फ्रूट सब चीज उपलब्ध है। तो प्रयास यही करना है, कम से कम प्रयोग करिए, जिसको आदत है छुड़ाने का प्रयास करिए। दूसरा जो उसका ठंडा पानी पियेंगे, ये आपको अर्थराइटिस की जिनको दिक्कतें है, जोड़ों का दर्द है, ये कभी जाएगा नहीं, ये लिख लीजिए जो ये सब कर रहेंगे वो जल्दी जाएगा नहीं। और उसमें खाना कोई रखिए नहीं, मजबूरी में अगर रखना हो रहा है तो उसको गर्म नहीं करिए, क्योंकि बासी खाना खाएंगे तो भी आप बीमार पड़ेंगे। तो कोशिश यही करना है कि हमें ताज़ा खाना बनाना है, ताज़ा सब्जियां लाना है, रोज के रोज हमें हमारे पास मिल जाता है आसपास में। फ्रिज नहीं रहेगा तो क्या होगा, थोड़ी सी पानी सूख जाएगा, हल्का सूखा हुआ दिखेगा, पर वो उसके गुण जो है तत्व है वो सब उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये है जो आप निकाल दीजिए। दूसरा जो सबसे बड़ा जहर है हमारे घर में एल्युमिनियम के बर्तन, और उसमें भी जो स्पेशल है वो है प्रेशर कुकर। तो हम लोग पिछले कई समय से, काफ़ी समय से जब इस पे काम कर रहे हैं और ये सब चीज़ें हटा के थोड़ा सा जब हम उनका दिनचर्या सेट करते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी से बड़ी बीमारियों को मात देता है और यही सबसे अच्छा बचाव है। तो प्रेशर कुकर और एल्युमिनियम के बर्तन का जो प्रयोग है, प्रेशर कुकर तो अभी जल्दी में आया, एल्युमिनियम के जो बर्तन का जो प्रयोग है, ये हमारे जब क्रांतिकारी लोग, जब अंग्रेजों लोग से लड़ाई होती थी उस समय क्या होता था कि अंग्रेज लोग ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किए हैं, उसमें अगर खाना लंबे समय तक आप खाएंगे तो आपको जो है आपके जो जुनून रहते हैं वो कम होने लगेंगे, जो मानसिक स्थिति है वो याददाश्त से कमज़ोर होने लगेगा, शारीरिक कमज़ोर होने लगेंगे। तो एल्युमिनियम के बर्तन से वो जेल में खाना खिलाते थे, आज हम अपने घर में उसको ला दिए। तो प्रयास यही करना है कि एल्युमिनियम के बर्तन का प्रयोग करें। और प्रेशर कुकर में जो भी अनाज हम पकाते हैं, जैसे स्पेशली हम दाल ज़्यादातर पकाते हैं, चावल पकाते हैं, एक सीटी में चावल पक गया, तीन सीटी में दाल पक गया, ये रियल में बहुत नुकसानदायक है, ऊपर से प्रेशर नीचे से आग ताप लग रहा है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में दाल पकता नहीं है, गल जाता है, फट जाता है। जैसे हम प्रेशर से, कोई बॉस रहता है तो प्रेशर से एक काम कराया जाता है, एक प्यार से काम कराया जाता है। जिस अनाज को मिट्टी में उगने के लिए, अगर जैसे दाल हो गया, दाल तुअर की दाल पकड़े, जो अरहर की दाल है, मैं किसान परिवार से हूँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, 10 महीने लगता है खेती में तैयार होने में, तो कम से कम आधे घंटे पौने घंटे तो लगेगा किचन में, जो हमारा रसोई है उसे पकने के लिए। अच्छा, किचन का जो नाम है ना उसको रसोई ही बोलिए, किचन में किचकिच ज्यादा होती है, रसोई जो है रस से भरी हुई रहती है। तो प्रयास यही करिए कि जो हमारी रसोई घर है, जो हमारे पुराने शब्द है, हम उसी का प्रयोग करें, किचन का प्रयोग ना करें। रसोई जो है अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसमें जरूर रस निकलेगा, और किचन का प्रयोग करेंगे तो जरूर उसमें किचकिच होएगी। तो इसका स्पेशली ध्यान देना है हमें। तो प्रेशर कुकर जो है प्रयोग ना करके, देखिए हमारे रीति रिवाज में आज भी
पहले तो सोने चांदी के बर्तन चलते थे, दिए जाते थे शादी विवाह में, पर आज भी पीतल के बर्तन आज भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, उसको रीति रिवाज से क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य जुड़ा है। अगर हम पीतल के बर्तन में हम कोई भी अनाज पकाते हैं तो उसके जो पोषक तत्व हैं ज़्यादा उसके पोषक तत्व नहीं जाएंगे। पीतल के बर्तन में अगर कोई भी अनाज पकाते हैं तो कम से कम 93% उसका जो पोषक तत्व बचे रहते हैं। अगर वही एल्युमिनियम में पकाते हैं तो वो जो है पोषक तत्व चले जाते हैं, प्लस नुकसान भी करता है। अगर आपको इसके नुकसान देखना है तो आप एक कोई कील लीजिए, उसको आप जो है खरोचिए, तो आप देखेंगे उसमें से पाउडर जैसा छोड़ने लगेगा। तो जब उबलते हैं तो भी वो पाउडर छोड़ता है, हमें पता नहीं चलता है। उसका वजन करिए, आज का वजन करिए, एक महीने बाद उसका वजन करिए, वजन कम हो जाता है, ठीक है, ये नुकसानदायक है। तीसरा जो है सबसे खराब चीज़ हमारे घर में क्या प्रयोग होता है, रिफाइंड तेल। जो लोग रिफाइंड तेल प्रयोग करते हैं, कोशिश करिए, प्रयास करिए, अगर स्वस्थ रहना है लंबे समय तक, हाई बीपी की जिनको शिकायत है, हार्ट डिजीज की जिनको शिकायत है, अर्थराइटिस की जिनको शिकायत है, गठिया रोग के जिनको शिकायत है, स्पेशली वो कच्ची घानी का तेल का प्रयोग प्रयास करिए। मजबूरियां हैं चलो ले लीजिए, पर प्रयास करिए, आपके नज़दीक में कहीं पर भी मिले, जहाँ से भी मिले, उसका प्रयोग करिए, नेचुरल हो। रिफाइंड तेल के नुकसान क्या है, कोई भी जो तेल होता है, जो हम खाने वाला जो तेल है, एक बार अगर हम उसको उबाल देते हैं तो उसके पोषक तत्व जो है वो खत्म हो जाते हैं। रिफाइंड तेल जो है 200-300 डिग्री तापमान पे रिफाइंड किया जाता है, कई तरह के केमिकल का प्रोसेस डाल के रिफाइंड किया जाता है, और इसके जो पोषक तत्व सब खत्म हो जाते हैं। अभी तो डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड सब चल रहा है, ये सब नुकसानदायक है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, रिफाइंड तेल बहुत सस्ता मिलता है, कच्ची घानी का तेल की अपेक्षा अगर आप चेक करेंगे बहुत सस्ता मिल जाता है। रिफाइंड में सनफ्लावर है, सोयाबीन है, सिंगदानी का तेल है, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर आप इसका कॉस्टिंग निकालो, जैसे आज के टाइम पे मेरे ख्याल से 150 रुपया लीटर करीब चल रहा है रिफाइंड तेल, ठीक है। रिफाइंड तेल में जो सिंगदाने हैं, सिंगदाने का अगर हम प्राइस निकाले, एक किलो सिंगदाने का कीमत आज के टाइम 120 रुपया समथिंग चल रहा है। तो एक किलो सिंगदाना कर लेंगे तो आपको 300 से 350 ग्राम, बहुत ज़्यादा ज़्यादा अच्छा सिंगदाना है तो 400 ग्राम तेल निकलेगा। 3 किलो का सिंगदाना आप लेंगे तब जाके कहीं 1 किलो तेल निकलेगा। 2.5 से 3 किलो सिंगदाने का कॉस्टिंग कितना हो गया, 300-350 करीब हो गया। तेल इतना सस्ते में कैसे मिल रहा है? मलेशिया एक देश है जहाँ से आता है पामोलिन तेल, हमारे देश में बहुत धड़ल्ले से आता है, उनको लाइसेंस दे दिया गया है हमारा स्वास्थ्य खराब करने के लिए, व्यापार करने के लिए। वो बेचने वाले के लिए अच्छा है, आपको खाने वाले के लिए अच्छा नहीं है। तो प्रयास यही करना है कि वो तेल ना प्रयोग करिए, क्योंकि उसमें ही मिला के दिया जाता है, इसके बहुत साइड इफेक्ट है, नुकसान है। तो चौथा जो चीज़ें है हमारे घर में, नमक जो हम प्रयोग करते हैं, नमक टाटा नमक ये कुछ ही सालों में आया है, या जो भी पाउडर फॉर्म में आयोडीन युक्त नमक आया है ये कुछ ही समय में आया है, पहले नमक नहीं था, अभी नमक का व्यापार हो गया। गेहूं की कीमत भी लगभग 25-30 रुपए चल रही है, नमक भी लगभग उतना हो गया, जबकि नमक 50 पैसे किलो मिल जाते थे पहले, 2-3 रुपए किलो मिल जाते थे। वो नमक खा के हमारे पिताजी, हमारे दादाजी जो है 100-100 साल जीते थे। आज जो जिनको भी हाई बीपी के जो शिकार है, स्पेशली नमक चेंज कर दीजिए, ज्वाइंट पेन की जिनको दिक्कतें हैं ये नमक चेंज कर दीजिए, आपकी दिक्कतें धीरे धीरे यहीं से सॉल्व होने लगेगी। सेंधा नमक लाना है, नॉर्मली सबको प्रयोग करना है, जिनको पेट की दिक्कतें हो काला नमक का प्रयोग करना है, वो भी लाना है, पत्थर फॉर्म में लाना है, अपने हाथ से पाउडर बनाना है, रेडीमेड भी लेंगे उसमें भी मिलावटी है। तो रेडीमेड सिर्फ उनके लिए अच्छा है जो व्यापार कर रहे हैं, जो जिनको खाना है उनके लिए अच्छा नहीं है। कभी खा रहे हैं ठीक है, पर डेली बेसिस पे अगर हमें लेना ही है तो हम प्रयास करें कि हम जो है सेंधा नमक पत्थर फार्म में लाइए, साबुत लाइए, अपने हाथ से पाउडर बनाइए और उसका प्रयोग करिए। आप देखिए आपको हाई बीपी की समस्या तो वैसे धीरे धीरे खत्म हो जाएगी आराम से। इसके बाद जो है घर में मैदा वाली चीज़ों का हमें प्रयोग कम से कम करना है। मैदा वाली चीज़ें अगर हम नहीं खाएंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन की जो दिक्कतें होती है, कब्ज हो जाती है, पेट साफ नहीं होता है, ये मैदा वाली चीज़ें जो ज़्यादा खाते हैं उनको ये दिक्कतें ज़्यादा होती है। तो मैदा वाली चीज़ें नहीं खाना है। मोटे अनाज कोई भी है, ज्वार, बाजरा, मक्का जो भी है, आप उसको मिक्स करके आटा बनाइए, और पैक फूड भी आटा, पैक में भी आटा नहीं लाना है, इसका भी प्रयास करिए कि हमें खुद जाके बना के लेना है, क्योंकि जो पैक आटा है वो कितने महीने पैक रखा हुआ है। हमारे घर में 20 किलो अनाज दिया जाता था पहले से, 15-20 किलो अनाज पिसवाते हैं हम, और वो 15 दिन चलता था, ख़त्म हो जाता था। 15 दिन से अगर ज़्यादा रहेगा तो उसके अंदर कीड़े पड़ने लगेंगे,
ठीक है, तो ये स्वाभाविक है कीड़े पड़ना ही चाहिए क्योंकि अच्छी चीजों में कीड़े पड़ते हैं, ठीक है, पर जिनके अंदर केमिकल रहेगा उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो ध्यान ये देना है कि जो भी आप अनाज लाते हैं उसको पिसवाइए, 10 से 15 दिन के अंदर खत्म करिए, फिर से फ्रेश लीजिए। तो आपको ये सब दिक्कतें जो है, शारीरिक दिक्कतें जो छोटी छोटी, 90% बीमारी हम ऐसे ही ठीक कर सकते हैं अगर हम अपनी दिनचर्या सेट कर लें। ये छोटी छोटी चीजें मैंने पिछले साल से हमारे जो गुरुजी हैं इनके माध्यम से, राजीव दीक्षित जी के माध्यम से, गोविंद भैया के माध्यम से, हम लोग इसी तरीके से लोगों को जो है बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करते हैं। क्योंकि हम सबके पास नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे पास इतने फोन आते हैं मैं फोन ही नहीं उठा पाता हूँ। मोबाइल दो दो है, 50 मिस कॉल पड़े हुए हैं सुबह से कल से लेके, फोन नहीं उठा पाता हूँ। तो मैं ये संदेश इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, आप ही को संघर्ष करना है, आप ही को लड़ाई लड़नी है। पैसा भी आप ही का जाएगा अगर बीमार पड़ेंगे, घर आपका ही बर्बाद होएगा अगर कुछ दिक्कतें आएगी। तो प्रयास यही करिए, खाना हम रोज बनाते हैं, ताजा बना के समय से खाइए। खाना खाने का नियम भी एक जो है वो नियम से थोड़ा सा प्रयास करिए। मजबूरियां अलग है कि रात में लेट खाना खाते हैं, पर प्रयास करिए 7-8 बजे के पहले आपका खाना जो है शाम का हो जाए, वो भी ताजा खाना बना के तुरंत खा लीजिए। ताजा खाना खाने के दो फायदे हैं, एक तो दो रोटी ज्यादा भी खा लेंगे आप, दूसरा जो है मन की तृप्ति भी हो जाती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां जो है दूर हो जाएंगी। इसके बाद आपको कोई बीमारी का सवाल रहेगा आप पूछिए, हम लोग भैया जवाब देंगे इसके। जी वंदे मातरम। बहुत सारी बातें धीरज भाई ने कम शब्दों में कम समय में बता दिए, जो राजीव भाई और हम इसका एक छोटा सा, आप पुराने ज़माने में किस तरीके से खाया जाता था, मैं यहाँ विश्लेषण करने का समय नष्ट नहीं करूँगा। सिर्फ आप सभी से विनती है कि आप अपनी पुरानी दादी नानी के रहन सहन को एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि वो लोग कैसे रहते थे, कब खाते थे, क्या खाते थे, क्या वो रोज़ फल खाते थे, फल कब खाते थे, मिठाइयाँ कब खाते थे। दिवाली दशहरे पे मिठाइयाँ मिलती थी, मुझे भी आज भी याद है, दशहरे के दिन हमें 10-5 रुपये दिया जाता था, जा मिठाई खा लेना। और आज हम अपने बच्चों को मिठाई के नाम पे क्या खिलाते हैं, रोज ही बच्चे को अगर रोज़ मिठाई खिलाते हैं तो गलतियां तो कर ही रहे हैं। तो परंपराओं का अवलोकन कीजिए, जैसे परंपराएं थी, जैसे हमारे बुजुर्ग, मुझे अगर इंजीनियर बनना है तो मुझे इंजीनियर के पास जाके राय लेनी पड़ेगी, डॉक्टर की राय लूँगा तो मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊँगा। तो मुझे अगर स्वस्थ रहना है तो मुझे उनकी बात सुननी पड़ेगी कि जिन्होंने स्वस्थ रहे हैं। तो मेरे दादा दादी, आपके दादा दादी, नाना नानी, पुरानी परंपराओं के, चाहे और भी पीछे चले जाएं, जो भी परंपराएं में जो हैं वो स्वस्थ थे। तो कैसे थे, किस तरीके से थे, एक तो उनके अंदर निडरता थी, डरते नहीं थे, रोते नहीं थे। आज भी मेरी नानी है 92 साल की, कभी उनको तकलीफ होती है, घुटने में दर्द होता है, फ़ोन करता हूँ, घुटने में दर्द है, इस उम्र में दर्द नहीं होगा तो किस उम्र में दर्द होगा, पागल है क्या। मतलब वो इस बात को जानते हैं कि इस उम्र में दर्द होगी, इस उम्र में चल नहीं सकती मैं, अब प्रभु की माला जपने का समय है, प्रभु के बुलाने का समय है। तो वो इस चीज को जानते हैं, इसलिए रोती नहीं, वो ये नहीं कहती कि मेरे घुटने बदलवा दे। तो 92 साल की नानी मुझे ये सिखाती है कि समय के साथ होने वाले तकलीफों को आपको अपने शरीर में मानना पड़ेगा और उसके साथ जीना पड़ेगा, उसके लिए बार बार दवाइयाँ खा के और ये चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं। और भी बहुत सारी दादी, मैंने नानी को कई बार देखा, कोई कुछ हो जाता था, अरे कोई बात नहीं सब भगवान ठीक कर देगा, कोई बात नहीं सब भगवान ठीक कर देगा, चाहे मोहल्ले में झगड़ा हो रहा हो, किसी से झगड़ा हो गया हो, किसी ने खेत का नुकसान कर दिया हो, किसी ने धन का नुकसान कर दिया हो, कि मेरी मासी की, बड़ी मासी की दो बच्चा, उस वक्त मैं 89 में था, थोड़ा मुझे याद है मेरी मासी का बच्चा हुआ था और दो दिन के बाद नहीं रहा था, तो घर में जो रोना पीटना होता है हो रहा था। तो एक चीज़ मुझे आज जोर डालता हूँ तो याद आता है, नानी कहती थी भगवान का था, चिंता क्यों करे, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मतलब सब ठीक हो जाएगा भगवान का। और आज का समय होता तो वो माता को जाके जंदर तक सारी जांचे, पता नहीं क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, सारी चीज़ें। आज मेरी मौसी के पास 6 बच्चे खराब होने के बावजूद आज 7 बच्चे हैं। तो प्रकृति बहुत कुछ है, तो निडरता उसमें सबसे ज़्यादा है। अगर आप निडर हैं तो आपके शरीर को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता।
अगर आप डरते हैं, आपको जैसे अभी मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था, मैं कभी इतनी दूर की ड्राइव बहुत समय से नहीं करता हूँ। नॉर्मली क्या है, जहाँ मेरी रूटीन है, ऑफिस से बवाना तक जाना है, आँख बंद करके चला जाऊँगा, दिन में 4 बार ले जाओ चला जाऊँगा। लेकिन नई सड़कों पर थोड़ा सा आदमी को डर लगता है। तो मैं उस वक्त ऐसा लगा कि जब हम पहुँचे तो मैंने कहा भैया यहाँ से टैक्सी कर लेते हैं और बाइक, फिर मैंने कहा ऑफिस जाना होगा बाइक से ही चलते हैं। अच्छा, अब विश्वास कीजिए, मैंने सोचा अगर गलती से एक्सीडेंट, मतलब होता है ना नकारात्मक, मैं इतना सकारात्मक होने वाला भी नकारात्मक, क्योंकि उसके बगल में मेरे सामने से ना गिरा हुआ नज़र आ रहा था। तो मुझे थोड़ा सा आया, मैंने कहा अपने मतलब थोड़ा जो अंदर अंदरूनी शक्ति जगाई जाती है, जिसको हम कहते हैं भगवान के भरोसे छोड़ के अंदरूनी शक्ति को हम अपना वापस पा लेते हैं। जब आप डरते हैं तो आप भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं तो आपके अंदर बहुत शक्ति आ जाती है। तो बस उसको नाम लिया, भगवान का नाम लिया। तो ऐसे कई पल आते हैं, तो हमने डरना भगवान के ऊपर छोड़ दिया, कोई जो होगा सब भगवान देख लेगा। मेरे साथ धीरज भाई 2 दिन से घर में, कई बार घर में बातचीतें होती है, सारे लोग दीपक भाई, हरिंदर भाई जब भी होते हैं, हम एक ही बात कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, सुबह कैसे जाना है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। भाई अभी खून क्यों जलाऊं, बड़ी मुश्किल से खून बनता है, इतनी वो नहीं है कि हमारे पास इतना अच्छा खान पान, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं रोज जाके अनार का जूस पी के खून बनाऊँ। तो जो बना हुआ खून है, जो हमारे बाप दादाओं ने कभी अनार का जूस नहीं पिया, उनका भी खून बना था चावल दाल से, तो मैं भी अपना खून चावल दाल और प्याज रोटी से ही बनाता हूँ, तो जलाऊं क्यों। तो यही चीजें हैं। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत कर लेते हैं ताकि नमस्ते जी। देखिए ये चीज़ें तो मैं दूर कर दूंगा। सबसे पहले जो आपको बताऊं कि ये कुछ चीज़ें जो होती है उम्र के साथ आपको बताती है कि अब आपको मुकाबला नहीं करना है, अपनी बहुओं की इज्जत देनी है, ठीक है। मेरी बात खराब गलत ना माने, ये सही बात है। अगर सारी सासें सुंदर हो गई तो बहुएं क्या करेंगी, वो तो कहेंगी यार मेरी सास इतनी सुंदर है तो मैं तो रोज ही पार्लर जाऊंगी। तो सत्यानाश किसका होगा, आपके घर का ही होगा। तो खैर एनीवे, ये तो हंसी मजाक, लेकिन कहीं ना कहीं ये संस्कार से जुड़ा हुआ है। उम्र के साथ अपने शरीर में हो रहे बदलाव पे आप प्रकृति का वो मान के चलें कि आपके उम्र के साथ हुआ है, उसको आप अन्यथा ना लें, क्योंकि रूप गुण बड़ा है तो रूप का कोई मोल नहीं, रूप का गुण का ही मोल है। तो ऐसे ऐसी कभी भी समस्या आए जो दाग ना जा रहा हो, सबसे सरल तरीके से प्रीत बिहार की, मुझे याद है प्रीत बिहार में रहती हैं दीदी, उनकी माता जी को ये समस्या थी, उन्होंने विश्वास करके 1 साल तक लगातार किया, आज वो अपनी बहू से ज़्यादा सुंदर है। तो अरंड का तेल, कैस्टर ऑयल और नींबू का रस दोनों बराबर मात्रा में मिला के रोज रात को सोने से पहले आप लगाएं, बिना परिणाम का इंतजार किए। इंतजार करेंगे तो कल पार्लर में चले जाएंगे या किसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, लिखित है, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है, क्योंकि उन्होंने 1.5 साल किया, 20 साल की समस्या थी झाइयों की और दाग की, वो 20 साल की समस्या जो एलोपैथी होम्योपैथ आयुर्वेद ने नहीं किया। पिछले कोरोना काल में उन्होंने बात हुई थी, ऐसे ही उनके घर कोविड पॉजिटिव हुआ था तो गए थे, उन्होंने बात हुई, मैंने उनको बताया और वो उस दिन से कभी 10 दिन लगाई, 2 दिन छोड़ दी, फिर 5 दिन लगाई, फिर 10 दिन छोड़ दी, फिर कहीं शादी ब्याह में जहाँ अच्छा अच्छा दोबारा लगाती हूँ, तो इस तरीके से लगाती रही 1 साल के अंदर अंदर। उन्होंने आप डेली लगाएं, लेकिन उन्होंने उनसे छूट भी जाता था तो कहते थे मेरे को कौन सी जरूरत है भाई, अब तो बहुएं आ गई, सारी चीजें आ गई, क्या फर्क पड़ता है। फिर भी जब याद आता था तो लगा लेती थी, रात को लगाएं तो ज्यादा बढ़िया। हाँ हमारे बीच में आदरणीय बीएस नागपाल जी प्रवीण जी के फादर, देखिए गोविंद भाई ने भी कहा संस्कार, तो ये संस्कार हमें बड़ों से मिलते हैं। ये जो प्रवीण नागपाल जी और मंजू नागपाल जी दोनों हैं जो आज शिविर लगा रहे हैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में, तो ये इनको अपने माता पिता के संस्कार मिले हुए हैं जिसकी वजह से ये कर रहे हैं और उन्हीं का सपोर्ट है। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे आदरणीय हमारे बीच में है। मैं चाहूँगी कि वो आदरणीय भाई गोविंद जी का स्वागत करें। आइए
वैसे तो सब लोग जो आए हुए हैं ये सब हेल्थ सेगमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, ये सब योग शिक्षक हैं, ये सब मेरे भाई बहन योग शिक्षक हैं और एक से बढ़कर एक ही रहे हैं ये सब जो बैठे हुए हैं। भाई रवि देवल, आरती देवल, बहन सुमन जी, ये अलग अलग पास से योगा करवाते हैं। भाई अशोक जी, बहन शारदा जी, रीता जी, मीनू बाली जी, ये एक से एक बड़े बड़े चेहरे हैं जिनको अभी हम अगले हफ्ते में यहाँ पे एक योगा का शिविर लगाएंगे, वहाँ पे ये सब आकर के एक एक दिन अपनी सेवाएं देंगे और अपना एक्सपर्टाइज यहाँ पे दिखाएंगे। बहन सुनीता जी है, ये हमारी क्या है, मीडिया न्यूरोथेरेपिस्ट है। तो ये सब अलग अलग सेगमेंट के लोग हैं। पीछे बहन रुपिका बैठी है, ये ऑर्गेनिक्स का काम करती हैं, पूरी तरह से आपके लिए जैविक खेती करती हैं, इनके अपने फार्म्स हैं और जैविक चीज़ें उपलब्ध करवाती हैं। तो सब लोग अलग अलग उससे जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच में आदरणीय विनोद बजाज जी है, मैं कहूँगी कि एक मिनट आइए आप भी प्लीज़ भाई जी। ये प्रेसिडेंट है आर्य समाज चंद्रनगर के और ये हमारे गोविंद जी का छोटा वर्जन है हम इन्हें कहते हैं छोटा वर्जन है। इनको भी मैंने गोविंद जी के साथ जोड़ा था, मैं तो अपना पढ़ लिया और थोड़ा बता दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस ग्रुप में जुड़े, उसकी बकायदा डेली जो पोस्ट आती थी उसको एक पूरा ग्रंथ बना रखा है, मेंटेन किया, इंडेक्स मेंटेन किया, हर बीमारी का लिखते हैं और आज ये ईस्ट दिल्ली में अपना ग्रुप, ताकि गोविंद जी का लोड कम हो सके, क्योंकि गोविंद जी के भी 25-26 ग्रुप चलते हैं, डे एंड नाइट चलते हैं, तो हम उनका लोड कम करने के लिए इस गैली में आदरणीय विनोद जी ये बताते हैं सारा। इनका आपकी रसोई आपका दवाखाना के नाम से इन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, आप आइए प्लीज इनका स्वागत कीजिए। स्वागत अपने गुरु जी का करो, गुरु जी है कोई जो कुछ है तो ये भाई की देन है, तो इनका मैं आइए आदरणीय विजय चावला जी आइए प्लीज। ये वाइस प्रेसिडेंट हैं दयानंद कौन सा गुजरात विहार पार्क के, आइए भाई जी। अरे डिफेंस एनक्लेव पार्क की देख रेख का पूरा जिम्मा इन्होंने उठा रखा है, वहाँ लोगों के लिए झूले लगे हैं, पार्क की सफाई मेंटेनेंस ये सब ये देखते हैं। तो मैंने आपको कहा ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब लोग हम लोग हेल्थ से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। धन्यवाद जी। अच्छा अब हम प्रश्न उत्तर सेशन अपना करते हैं, किसी का और प्रश्न है बोल देंगे वैसे सुनाई देगा। हाँ ऐसे ही बोल दीजिए सुन। आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत आभार और विशेषकर गोविंद भाई जी का बहुत बहुत आपका आभार कि आप सब हमारे बीच में आए, इतना अच्छा ज्ञान हम सबको दिया इन्होंने, हम इनके लिए अपने रोम रोम से आपको धन्यवाद देते हैं, कितना अच्छा आप बताते हैं हम सबको। हम सब जानकर भी अनजान हैं, हम रोज़ उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं फिर भी हमें उस चीज़ का तरीका नहीं पता। मैं आपसे इस चीज़ पूछ रही थी कि अमृत धारा जैसे आपने बताया तो मेरे दामाद आए थे, उनको ट्रेन में आते हुए किसी कीड़े ने काट लिया माथे के ऊपर, तो मुझे याद आया कि इसमें अमृत धारा लगा देना चाहिए, तो मैंने फोए से उठाकर उनको अमृत धारा जरा सा उस जगह पर लगाया, उनको वहाँ जलन तो बहुत हुआ पर वो हिस्सा सारा जल गया और वो बाद में मुझे भी लगा, मैंने कहीं मैंने क्या कर दिया, कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं होगी, कहीं पानी में इसको मिलाकर तो नहीं लगाना चाहिए था, पर वो कई दिन लगे उनको, धीरे धीरे फिर वो हिस्सा अपना
उन्होंने कुछ विटामिन वगैरह कुछ ऐसी दवाई लगाई उससे फिर वो ठीक हुआ। क्या ये मेरा चीज़ गलत थी, हमें किस तरह से उसका उपयोग करना चाहिए ये प्लीज़ बताइए। जब कोई भी कीड़े काट लेते हैं किसी भी तरह का, आपको जलन हो रही हो तो अमृत धारा की बूंदे आप लगाएं और उससे जलन और दर्द कम ना हो रहा हो और कम होने के बजाय बढ़ जाए तो तुरंत नारियल का तेल लगा लेना चाहिए। ये उसकी वो है कि ऐसे नुकसान कुछ नहीं है। परसों की बात है, मेरी छोटी बेटी को घबराहट हो रही थी, मैंने उसको बोला, फ़ोन आया बड़ी बेटी का कि घबराहट हो रही है, तो मैंने कहा बेटा एकोनाइट ले लो। और मैंने गलती से मेरे छठ पूजा में मेरे रिश्तेदार वगैरह आए थे तो उनकी विदाई के लिए मैंने अमृत धारा उनको बना के दिया था, तो एक अमृत धारा मेरे पास भी बना था और होम्योपैथ की सीसी होती है उसमें रखा हुआ था, तो उसने उस मैंने उसका नाम उखाड़ना भूल गया, उस पर एकोनाइट लिखा था, बेटी ने उसको खोला और धड़ 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 अमृत धारा की बूंदें डाल ली तो थोड़ी सी बेचैनी हुई। वाइफ का भी फ़ोन आया कि भाई क्या कर दो, तुमने लिख नहीं सकते, ये है ऐसे है। मैंने कहा कोई बात नहीं, नुकसान नहीं, नेचुरल चीज़ है, नुकसान नहीं होता, ठीक है। और वाकई कुछ नहीं हुआ, जबकि 20-25 दो बूंद की मात्रा अमृत धारा कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी उसको 10-15 बूंदें गिरने के बावजूद भी वो आराम से, क्योंकि उसमें ढक्कन भी नहीं था, क्योंकि अमृत धारा था सीधे ऐसे डाल दी तो गिर गया था। तो अमृत धारा जो भी नेचुरल मेडिसिन है, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि हमने ये चीज़ लिया है तो उससे नुकसान होता है। अगर आपके लालीपन आ रहा है, जलन जलन कम होने के बजाय बढ़ने लगे और उसकी शक्ल बदलने लगे, दर्द कम ना हो रहा हो, तो फिर नारियल तेल लगा लें, क्योंकि नारियल तेल फिर उसको थोड़ा सा ठंडक पैदा कर देगा। और ऐसे अगर डर है तो नारियल तेल और अमृत धारा दोनों मिला के लगा लीजिए, उससे जलन कम हो जाती है और त्वचा जलने का संदेह नहीं रहता। आपने बताया कि अमृत धारा की डायरेक्ट बूंदें ऐसे हम मुंह में डालते हैं तो बहुत जलन करती हैं, तो उसको अगर हम पानी में लेते हैं, 2-3 बूंद पानी में लेते हैं या चीनी में या बताशे में, बताशे के ऊपर हाँ, लेना चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा ज़्यादा अच्छा वो तो अमृत धारा सीधे जीभ पे नहीं लेना चाहिए। और मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, मैं इसको कान दर्द में ठीक करने का प्रयास कर रहा था, मैंने कान दर्द में डाला था, मैं 7 दिन तक रोता रह गया था कि क्या गलती कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा कान खराब हो जाएगा, तो कान में बिल्कुल ही ना डालें, कान में बिल्कुल ही ना डालें, क्योंकि मैंने कान में डाल के देखा था, मुझे 7 दिन तक मेरी नानी याद आ रही थी कि मैंने गलती कर दी है, क्या हो गया। और एक चीज़ और करें जो मैंने अपने जीवन में किया है, गौमूत्र अर्क से कुल्ला कभी ना करें ज़्यादा मात्रा में लेके, क्योंकि वो भी मैंने किया है, गौमूत्र अर्क था मेरे पास, मैंने उसे थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में कुल्ला कर लिया तो सारे के सारे मतलब अंदर से त्वचा जलने सी हो गई थी। तो पानी मिला के जो भी तीक्ष्ण औषधि होती है उसे पानी मिला के करें, सबसे आसान तरीका तीक्ष्ण, जिसमें बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण है, तीखापन है भाई, उसको आप काली मिर्च भी लोग खाते हैं चूसते हैं तो एक छोटी सी काली मिर्च लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे करते फिर दांत के बीच में छुपा लेते हैं। ईमानदारी से पूछिए, अगर आप जब काली मिर्च खा रहे होते हैं जब तीखा लगने लगता है तो उसको दांतों के बीच में ले जाके छुपा देते हैं या तो फेंक देते हैं। तो इस तरीके से सिंपल सोचने समझने वाली बात है, नुकसान कोई नहीं है, प्राकृतिक औषधियों का नुकसान कुछ नहीं हो सकता, रिकवर हो जाता है बड़े आसानी से। अगर कोई किसी तरह के नुकसान हो भी जाए तो बड़े आसानी से हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो हमें जाने अनजाने ना जाने कितनी बार, आज तो हम साफ सुथरी जगहों पे रहते हैं, मिट्टी से दूर हैं, मुझे मैं उस वक्त बात करता हूँ बरसात के मौसम में जब इतने पानी में पढ़ने जाया करते थे, तब वायरस नहीं था, तब कीड़े मकोड़े नहीं थे, आज थोड़ा सा हो जाता है तो 2 मिनट में होता है, तो ऐसा क्या है, हमने डरना नहीं, नेचुरल चीज़ें हैं। शरीर में आपको कुछ लगता है, अटपटा सा लग रहा है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे नीचे ना हल्की सी खुजली हो रही है, भाई ऐसे कर दिया आराम मिल गया विदिन ए सेकेंड 2 मिनट 3 मिनट, तो अपने आप को समझ जाना चाहिए ठीक है कोई ज़्यादा नुकसान वाली नहीं है। अगर उसमें जलन बढ़ी हुई है कोई चीज़ तो फिर उसकी औषधि कुछ न कुछ औषधि आप रसोई घर की मालूम है रसोई घर की कराएं, नहीं मालूम है आपके नज़दीक में है उनसे पूछ लें। लेकिन जब आपके कुछ थोड़ी बहुत भी शरीर में कहीं भी कुछ होता है और आपने थोड़ा सा कुछ किया और उसमें रिलैक्सेशन आराम मिलता है, इसका मतलब वो रोग साध्य है। और नहीं आराम मिला, मान ली मेरी उंगली में यहाँ दर्द हो रहा है और दर्द होना तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ऐसे करने का प्रयास किया और वो दर्द
थोड़ी देर के अंदर कम हो गया तो आप समझ जाइए कि आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और दर्द बढ़ रहा है नहीं है तो फिर ज़रूर कोई ना कोई औषधि लें, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथ हो, रसोई घर की औषधियाँ जो है उसकी रिपीटेशन करें, या तो फिर क्वांटिटी और मात्रा बढ़ा दें। जैसे कमर में दर्द है, हम कहते हैं कमर में दर्द है हल्दी मेथी सोट, घुटने में दर्द है हल्दी मेथी सोट लीजिए, ठीक है, नहीं आराम पड़ रहा है जी, जितना आप ले रहे हैं उससे थोड़ी ज़्यादा ले लीजिए, फिर आराम देखिए, हो सकता है कि आपके शरीर, क्योंकि हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर पूछता है आपकी उम्र क्या है, सबसे पहले उसका एक ही प्रश्न होता है, उम्र क्या है, वजन क्या है, ये दो चीज़ों से आपकी दवा की डोज डिसाइड होती है उनके अनुसार। तो हमारे आयुर्वेद में भी यही है, रसोई घर में भी यही है, छोटा बच्चा है बहुत ज़रा ध्यान से खिलाना, छोटा है थोड़ा सा ही दियो, बड़ा है कोई नहीं बोलने जाता कितना दे रही है नहीं दे रही है, तो ये चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन है जी, जी हमें पानी कैसा पीना चाहिए, और दूसरी चीज ये पैक मेडिसिन के बारे में कुछ बताइए। देखिए पानी तो सबसे अच्छा पानी ये माना जाता है जो ज़मीन से निकलता है, जो पुरानी परंपराओं के अनुसार है, जो आज के समय में संभव नहीं है, और जिनके यहाँ संभव है तो मैं तो उनको कहूँगा कि उस पानी को फिल्टर कर लें किसी तरीके से, जो अपनी प्राकृतिक फिल्ट्रेशन होता है कि आप अपने पानी की जो है उसमें शालीमार के पत्थर डाल सकते हैं, चूना डाल सकते हैं, फिटकरी डाल सकते हैं, जामुन की लकड़ी डाल सकते हैं। कब से करना चाहिए, पहले से, अभी से या कल से? नहीं, जब जिस दिन ऐसा है, जब आप जागरूक होते हैं वो दिन आपका पहला दिन होता है, जब आपको मालूम है कि मुझे खड़े होकर पानी नहीं पीना है तो उसी दिन से पीना बंद कर दीजिए, ये चीज़ें हैं। और पानी को हमेशा घुट घुट कर मुँह में चला के पीजिए, तो कोई पानी अगर आपके साथ दुष्प्रभाव रहित नुकसान वाला भी होगा तो लार की वजह से क्षारीय हो जाएगा तो नुकसान कम करेगा। अभी डायलिसिस की बात हो रही थी, अभी तक घटाई जा सकती है, जैसे पर हफ्ते में 3 दिन हो रही है, 4 दिन हो रही है, क्या उसको बंद से रेवी पर लाया जा सकता है? एज ए जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर विश्वप्रिया चौधरी जी बताया डायलिसिस, हाँ आपका नेचुरल डायलिसिस, हाँ वो नेचुरल डायलिसिस होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, तो वो मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कहूँगा कि आप एक बार धीरज भाई को, क्योंकि ये वहाँ पे हिम्स हॉस्पिटल में रह के करते हैं, तो आज थोड़ा समय का अभाव है, तो मैं इस बारे में ज़रूर बताऊँगा कि किस तरीके से हम डायलिसिस के ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं अपने रसोई घर से भी। डायलिसिस को कम करने के पीछे अभी बता रहा हूँ एक छोटा सा अपना अनुभव, चंचल बहन गाजियाबाद के आसपास की, उनके पिताजी की डायलिसिस हो रही थी, 2 हफ्ते की 2 हो रही थी, फ़ोन आया भैया, मैंने कहा देखो गुड़िया इसमें सबसे पहला जो डायलिसिस करा रहा है उसका फैसला है, जब वो मीसी नहीं करेगा तो डायलिसिस का पता कैसे चलेगा कि जो आप घर की चीज़ें आयुर्वेदिक चीज़ें होम्योपैथ की चीज़ें आप ले रहे हो, तो मिस करने की क्षमता होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि देखो जी आप हफ्ते में 2 हो रही है, 1 मिस कीजिए और अगले दिन से ही अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, दिक्कत आ रही है चले जाइए करा लीजिए, फिर अगले दिन 1 दिन तो बढ़ा, अगली बार 2 दिन की हिम्मत कीजिए, उसके बाद अगली बार 3 दिन की हिम्मत कीजिए। लेकिन जो औषधियाँ होती है आयुर्वेद रसोई घर में, सबसे सरल औषधि है नीम की छाल और पीपल की छाल, सबसे सरल, इसका काढ़ा बना के पीते रहने, ऐसे तो गोखरू, पुनर्नवा, बहुत सारी हजारों तरह की औषधि है, 1000 डॉक्टर, 1000 वैद्य, 1000 दवाइयाँ, लेकिन रसोई घर में अगर सिंपल तरीके से कहें तो पानी को इतना चबा चबा के पिए, इतना चबा चबा के पिए कि पानी नहीं वो भोजन जैसा हो जाए, तो इस तरीके से कईयों को हमने प्रयास करी है और कईयों को अच्छी सफलता भी मिली है और बहुतों में नहीं भी मिल रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें हर जगह जीत हासिल हुई है, लेकिन प्रयास करते हुए पता चला है कि हिम्मत, प्रकृति, परमात्मा, आप लोगों का आशीर्वाद, सामने वाले की मेहनत और उनकी दुआएं जो होती है उससे ज़रूर रंग लाती है। बहुत सारे महाराज पेशेंट आते हैं ना, वो फुल बॉडी, हाँ, तो मैं पानी के बारे में, फ्रिज के बारे में बताया, हाँ जी, अभी मैंने भी और में भी आप लोगों ने भी आपकी टेबल पे भी वो पैक पानी पड़ा हुआ है, हाँ जी, आर्टिफिशियल जरिए हम बर्फ में
ये पानी मैंने जो व्यक्तिगत तौर पे हाँ हाँ मैं अपनी जानकारी बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए ऐसा है, हमारी परंपराओं में एक बात कही गई है कि अगर भूख लगे तो छूछ क्या, भूख के आगू छूछ क्या, नींद के आगू खड़हर क्या, ठीक है? अभी 8:50 हुए हैं, 8:30 तक टाइम अपने पास। चले मैं कोई बात नहीं, ऐसा मतलब एक कहावत है, नींद के आगू छूछ मतलब खड़हर क्या, अगर अगर आपको नींद आ रही है तो आप ये नहीं देखते हो कि ऊपर खाबड़ है कैसा है, भूख है तो कैसा है, रूखा खाना है उसमें सब्जी है दाल है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से प्यास लगी है तो सामने ये नहीं देखा जाता कि क्या है, उस वक्त आदमी प्यास बुझा लेता है। तो मैं आप हमें प्रयास ये करना है, देखिए आपातकालीन इसी बात का जवाब देना चाहते हैं कि हमारी बॉडी हमने जिस तरह से बनाई हुई है, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हमसे बेटर लिविंग रही है, इनकी बेटर खान पान रहा है, फास्ट फूड जंक फूड नहीं लेते होंगे ये लोग, लेकिन इन्होंने वो सब चीज़ें ली हैं जो आपने अभी मना किया, लेकिन वो हमसे अच्छे बेटर तो उनकी एक्चुअली क्या कहते हैं ना आपका DNA, आपने बचपन में क्या, मैंने अभी इससे पहले बताया था कि नहीं, आपका बॉडी आपका शरीर जो तो, चीज़ एक्सेप्ट करता है सिर्फ वो आपके बॉडी में रहेगा, अदरवाइज आपको वॉमिट आ जाएगी, आपको पेट अपसेट हो जाएगा। हाँ जी, तो ये जो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी वो खराब हो, ये परंपराओं में साबित किया हुआ है कि जो इंसान जितने भी आयुर्वेद के नियम हैं मतलब आयुर्वेद के नियम या जो भी नियम होते हैं उन पे लागू होते हैं, जो निकम्मे होते हैं निठल्ले होते हैं, जो मेहनत कश मजदूर हैं वो 10 रोटी भी खा लेगा उसको कुछ नहीं होने वाला, वो खड़े होके पानी पिएगा कोई उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत होनी हाँ उसने अपनी बॉडी को उस तरह से बनाया, मेहनत किया है साथ में बनाया बॉडी को उस तरह, तो ये चीज़ें हैं। हमारे पुराने टाइम में विषकन्याएं भी बनती थी, जहर सबके लिए मौत का कारण है, लेकिन उन्हें जहर दे दे के उनकी बॉडी उस जहर को एक्सेप्ट करती थी जी। तो आपकी बॉडी जो एक्सेप्ट करती है आप खुले दिल से वो लीजिए, जो जो पचा सकते हैं वो आपके लिए अमृत है, जो नहीं पचा वो अमृत नहीं है। हाँ जी जी, ऐसा है राजेश जी के त्रिफला बनाने की विधि मैंने देखी, 1, 2, 3 होते हैं। हाँ जी, 1, 2, 3 1, 2, 3 राजीव भाई के अनुसार त्रिफला 1, 2, 3 का उन्होंने बताया था कि सबसे अच्छा है 1, 2, 3 1, 1, 1 का अनुपात उनके लिए अच्छा है जिनको स्किन में कोई रेडिएशन की वजह से स्किन का नुकसान हुआ हो। उसमें जो हरर है वो छोटी भी आती है बड़ी भी आती है, बड़ी लेनी चाहिए। हाँ बड़ी हरड़, बड़ी हरड़। तो मैं आपको थोड़ी सी एक गोल वाइट बड़ी हरड़ होती है, काली हरे हरे हरड़ को तो वो छोटी हरड़ होती है, वो सूख जाते हैं, वो कच्चे फल होते हैं जी। जिन्हें भी शुगर की समस्या है, मैंने तो पिछले 20 सालों में 5-6 सालों में देखा है कि अगर कितने लोग हैं आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बता दें किन्नर भाई बहन, कई बार आप लोगों ने सुना होगा मेरे इस बातों में कि आप लोगों में कोई बता दे कि किन्नर भाई बहन किसी शुगर पेशेंट हो, आपने देखा हो उन्हें किसी हॉस्पिटल में आते हुए, आपके नर्सिंग होम में आते हुए देखा हो कि हिजड़े भाई बहन आए हैं और अपना शुगर का इलाज करा रहे हैं या डायबिटीज़ का इलाज करा रहे हैं, या उनको सर्टिफिकेट मिला हो शुगर डायबिटीज़ हाई बीपी का? मेरे हिसाब से नहीं, आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा होगा कि आप जिन हॉस्पिटलों में जाते हैं वहाँ पे वो आते हैं, तो कहाँ जाते हैं, उनका भी तो शरीर है, इंसानी शरीर है, वो कहाँ जाते हैं, वो भी तो बीमार होते होंगे जब। लेकिन मैंने उनको पूछा तो कहते हैं हमें बीमारी होती नहीं, पेट दर्द सर दर्द ये सब होता है, बाकी वो तालियाँ बजाते हैं ऐसे, दूसरे की खुशियों में खुश होते हैं और अपनी, और हम क्या है, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, इधर कथा चल रही है, भजन चल रहा है, लेकिन वहाँ बहनें अपने आपस में साड़ियाँ देख रही है एक दूसरे की, तो मतलब ये चीज़ें हैं। हाँ तो सारी चीज़ें हैं, मतलब चाहे भाई हो चाहे कोई भी हो, मैं तो कई बार गया,
समापन तो माला से ही होता है। हाँ, तो ये मतलब कहने वाला ताली बजाना सारी बीमारियों की सबसे अच्छी दवा है। ये अगर हम उनको देख के अपने अंदर विश्वास ले आएँ, और इसका सबूत मेरे पिताजी हैं। 450 शुगर रहता है वो कब रहता है, जब कोई उनको पारिवारिक जैसे तनाव आ जाता है और ऑफिशियली इंस्पेक्टर हैं तो उनका रहन सहन खान पान का हिसाब किताब नहीं बैठता, तो थोड़ा हाई हो जाता है, लेकिन वो बाकी दवाई नहीं लेते, बस ताली पीटते हैं। सुबह शाम उनका काम है, जब भी समय मिलेगा भजन करेंगे, और भजन में अपना जो भी उनके अपना, हर किसी का अपना अपना होता है, मैं किसी के मत की बात नहीं कर रहा, जो जिसको जो पसंद है, उनको शिव चालीसा पसंद है, हनुमान चालीसा पसंद है, उसी को मतलब मदमस्त हो जाते हैं, उसी के साथ मदमस्त हो जाते हैं। तो आज 2017 में डिटेक्ट हुआ था 450 शुगर, 650 भी रहा, और आज भी है, भाई चिंता ही नहीं करते। दाल चावल भात क्या नहीं खाते, 5 किलो गुड़ खाते हैं महीने के, 2-2.5 किलो गुड़ खाते हैं, ठीक है, चावल खाते हैं। क्वेश्चन है हाइट के लिए, मैंने आपसे पूछा था, मेरा भतीजा है, बहुत कम हाइट थी उसकी, तो आपसे पूछा 21 साल की है, जब आपने बोला कि 21 साल में इतना, देखो मैं आपको बता रहा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि उसको नहीं बढ़ सकता, आप ये तो नहीं था उसका, हाँ। ये नहीं था, लेकिन आपने बताया बढ़ के फूल जीरा और मिश्री के दूध से, हाँ 4-5 महीने उससे लेते हुए परसों मैंने वो देखा, उसकी इतनी हाइट बढ़ गई है 21 साल की एज में, तो वो कह रहा बुआ धन्यवाद बोलना जिन्होंने आपको बताया, नहीं 49 में बढ़ेगी तो मैं भी नहीं, एक्चुअली क्या जिसकी ये हमारे यहाँ कहा जाता है कंठ फूट गया, अगर ये निकल गया होगा ना तो हाइट नहीं बढ़ती, ये पर मतलब मेरा अपना नहीं है, देखिए मैंने कहीं मैंने बाप दादाओं से ही सुना है, वही बात मैं बोलता हूँ, जब हम लटकते थे ना तो मेरे दादाजी वो अबे क्या हो गया, अब तो तेरी कंठ फूट गई, अब तो खाक लंबा होगा, जा आराम कर, तो ये चीज़ें सुनने में आया था तो मुझे विश्वास था, तो फिर इसको देखा गया, तो सिर्फ आप देखेंगे जो भी लंबे इंसान होंगे और नाटे इंसान होंगे उन दोनों में जो सबसे ज़्यादा हम लोग आम आदमियों में जो गैप होगा वो गर्दन का गैप होगा, वो गर्दन का गैप होगा, जो लंबे लोग होंगे उनकी गर्दन थोड़ी सी लंबी रहती है, और जो थोड़ा सा कम हाइट के होते हैं उनकी गर्दन थोड़ी सी छोटी होती है, नहीं तो यहीं पे खड़े 2-4 आपस में खड़े होकर देख लीजिएगा तो एक की गर्दन कम है एक की गर्दन ज़्यादा, यानी हाइट इसके लिए देखिए सबसे सरल है, अगर आप बना सकते हैं गर्मी के मौसम में, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप घर में बना सकते हैं रूह अफ़ज़ा, गुलाब के फूल लें सुखा के बारीक पाउडर करें और उसको रात भर भिगो दें पानी में, सुबह उसको अच्छे से मसल के पानी को जो उसका पंखुड़ियाँ हैं उसको छान दें और उसी पानी में मिश्री डाल के आप धीमी आंच पे पका लें, हाँ, और उसको चाशनी करके रख लें, मिश्री की चाशनी कर लें, गुलाब का शरबत बनाना है गुलाब को इस तरीके से कर लें, आपको जिस चीज़ का करना है रात भर पानी में रखें, सुबह उसमें मिश्री मिला के उसी पानी में आप उसकी चाशनी बना दें, रंग डालने के लिए आप थोड़ा सा नेचुरल जो रंग आता है वो आप रंग थोड़ा डाल सकते हैं, और खुशबू के लिए अगर रेडीमेड भी चाहते हैं तो वो रेडीमेड खुशबू आती है वो एक दो बूंदे डाल सकते हैं, तो ये बहुत सिंपल तरीका है शरबत बनाना, तो दुनिया में सबसे आसान काम है शरबत बनाना, गुड़ लो पानी में घोलो पी लो शरबत हो गया, सबसे आसान काम है शरबत बनाना, और आपको बताऊं सारे लोगों को मालूम होगा गुड़ बहुत गर्म करता है, ठीक है, उस पानी में भिगो के गुड़ को अगर 25 बार सूती कपड़े से छान दिया जाए तो मूत्र और पेट की जलन उसी वक्त ख़त्म होती है, उसी वक्त डायबिटीज पेशेंट को छोड़ के अगर वो शुद्ध गुड़ है तो उसको भी दे दीजिए, उनके पैरों का जलन ख़त्म हो जाएगा, शुद्ध है तो हाँ जी, ये मेरे पिताजी ने किया है और बाकी प्रूफ के तौर पे, हाँ प्रूफ के तौर पे है कि कोई भी हिजड़े जो भी किन्नर भाई बहन है आपको किसी भी गंभीर रोग से ग्रसित नजर नहीं आते, जबकि सामाजिक तौर पे सबसे ज्यादा दुख है, शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा दुख है, व्यवहारिक रूप से सबसे ज्यादा दुख है, लेकिन उन्होंने अपना जो भगवान ने जैसा दिया था उसको उतना मान के फिर उनको अपने हिसाब से उतने में खुश रहने लगे और दूसरे की खुशियों में खुशी ढूंढने लगे, और हम क्या करते हैं खुद ही, खैर जो कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि हम नहीं बदल सकते अपने आप को, तो कम से कम खान पान बदल लें, थोड़े बहुत क्रियाक्रम बदल लें, थोड़े बहुत भजन कर लें, कहीं ना कहीं परमात्मा कुछ ना कुछ देगा ही, ठीक है, तो ये कह रहे थे कि पास की भी कमजोर और दूर की भी है, तो
तो वो उन्होंने राजीव दीक्षित जी की जो उन्होंने क्या कहते हैं दवाई बनाई है, जैसे शहद हो गया, हाँ, देसी शहद मतलब नेचुरल जो है, उसके अंदर नींबू भी डाला उन्होंने और गुलाब प्याज का रस, गुलाब का, हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ बना लिया है। अब क्या है कि उन्होंने रेशो मुझे लग रहा है वो कह रहे हैं कि मैंने ज़्यादा ले लिया है, शायद ज़्यादा डाल दिया है, आँखें बहुत चिपचिपा रही है, तो उसमें गुलाब जल की मात्रा बढ़ा दीजिए, गुलाब जल की मात्रा बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खराब नहीं होती। और सुबह की लार लगाने के लिए बोलिए, आयुर्वेद में एक औषधि आती है सप्तामृत लौ, दो दो तीन तीन गोलियां दिन में दो तीन बार खिलाने खाने के लिए दे दीजिए, सप्तामृत लौ, सप्तामृत, सात अमृत, आप ऐसे लिख दीजिए सात अमृत लौ, आयरन के लिए, आयरन के लिए सबसे अच्छा है, अगर घर की चीज़ों में है तो पालक का जूस पिए, मतलब पालक का सूप बना के पिए, अनार का जो चुकंदर है, अनार है, और लोहे के बर्तन में उनका भोजन बनाएं, सबसे आसान लोहे के बर्तन में, पानी भी आप उनके लोहे के पात्र में रख दें, ये तो इस तरीके से आप आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। तो भोजन की नली में जलन है तो ये धनिया सबसे अच्छा है, और अभी जो मैंने बताया पानी का, ये गुड़ का पानी 25 बार सूती कपड़े से छानना है, ये छानने का प्रक्रिया जरूरी अपनाना है, हाँ, तो एक तो क्या टाइम हो गया, और साथ में मैं समाधि, मैं इनको पतिदेव ने था, हाँ, कि मेरी आंखों का पूछ के आना, लेकिन पूछा पहले अपना पहला सवाल इनका अपने से था, तो थोड़ा समय का अभाव है, बता दीजिए आजकल सबसे याददाश्त बड़ी कमजोर हो, याददाश्त के लिए सबसे सरल सबसे सरल है औषधियों में वो है, अपने रसोई घर की बात करें तो तेज पत्ते का काढ़ा बना के पिएं, तेज पत्ते के बारीक पाउडर को शहद में मिला के चाटें, इससे याददाश्त तेज होता है, रसोई घर की औषधियों से। बाहर थोड़ा सा बाहर आए तो बादाम, आपने सुना होगा बादाम की कहावतें बहुत सुनी होगी, अब बादाम खा ले तो बादाम है, हाँ, मतलब आयुर्वेदिक, मतलब ऐसे घर की चीज़ों में अगर थोड़ा सा बाहर गए तो लोग कहते हैं बादाम खा ले भाई, क्या बात है तेरी याददाश्त कमजोर है, बादाम खा ले, लेकिन बादाम खाने का तरीका अलग है। अगर आपको याददाश्त के लिए बादाम खाना है तो बादाम को सील पे घिसिए, जितना घिसेंगे उतना गुणकारी होगा, और उसके बाद आप चाहे दो बादाम लीजिए, चार बादाम लीजिए, 15 दिन में ना फर्क नजर आए तो बताइएगा, हाँ, रात को भिगो के सुबह उसको घिसना है, और उसमें शहद मिला के आपको जैसे आपको लगे ना चाटिए, या दूध में घोल के दूध बना के पी जाइए, मांगरा बादाम जो सबसे हो, मांगरा बादाम, हाँ हाँ, क्या किसको, छिलके को, छिलके तो हटाया जाता है, हाँ, तो और आप लोगों की, हाँ हाँ, सबसे सरल है, इसलिए आप कितना लगाएंगे, आप ये देखिए ना, आपको चेहरे में उतने बड़े चेहरे में कितना लगेगा, उतने बड़े चेहरे में कितना लगेगा, दो चार बूंद नींबू और दो चार बूंद अरंड का तेल, बस। अगर जिस तरीके से हम बात करते हैं, मतलब होता क्या है, नुकसान कब करता है, जब उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जब लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत हो रही है छोड़ दीजिए, भाई फिर अपना दोबारा कर लीजिएगा। एक भाई जी और तो कुछ नहीं है, आजकल जैसा यहाँ इतना वातावरण धूल मिट्टी का चल रहा है, सबके गले खराब हो रहे हैं, सबकी आंखों में जलन हो रही है, पेट खराब हो रहा है, उसके लिए कोई उपाय बताइए। देखिए, जब धूल मिट्टी का माहौल हो तो उसके लिए सबसे सरल तरीका है, आंखों को बचाने हैं सुबह की लार लगाइए, त्रिफला को पानी में भिगो दें, अगर उसको सुबह आंखें में धोएं, नहीं तो त्रिफला भी नहीं ले सकते तो अपने रसोई घर में धनिया है, रात को पानी में भिगो दें, सुबह उससे आंखें धोएं, कोई भी घी पड़ा है, देसी गाय का घी है, भैंस का घी है, बकरी का घी है, ऊँटनी का घी है, किसी का भी घी है तो, या नहीं घी है तो अरंड का तेल है, उसको अरंड का तेल लगा लें आँख धोने के बाद, ठीक है, इससे आँखों की समस्या दूर हो जाएगी। गले की समस्या के लिए सिंपल है, अदरक है, थोड़ा सा गुड़ है, चबा चबा के खा लीजिए। सांस की तकलीफ़ हो रही है एलर्जी की वजह से तो शहद और दालचीनी का पाउडर, ये दोनों मिला के थोड़ी सी चाट लीजिए, ये सिंपल है, हाँ, काढ़ा बना के पी सकते हैं, हाँ हाँ जी। हाई बीपी के लिए सबसे सरल औषधियों, अगर औषधि की बात करें तो अपने रसोई घर की मेथी दाना है, दालचीनी है, ये दोनों हाई बीपी के लिए है, अर्जुन छाल और मुलेठी, हाँ, ये चारों को मिला के अगर इसका काढ़ा पिया जाए
हरजिंदर भाई हैं, इनकी माताजी 20 साल से हाई बीपी की दवा ले रही थी, आज 4 साल हो गए उनकी माताजी हाई बीपी की दवा नहीं लेती और काढ़े भी बंद हो गए, अब वो काढ़ा भी नहीं पीती हाई बीपी के लिए। दालचीनी, मेथी दाना, अर्जुन की छाल, मुलेठी। हाँ मैं थोड़ा तो इसीलिए थोड़ा सा समय हम न, अभी आज यहाँ आए हैं ना, यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद मिले, जागरूकता फैले, आप मत जागरूक हो, अब आप अपने बच्चों को बताओ। देखो जी आपका तो जीवन ठीक है निकल गया, जैसे 2-4, 10 लाख, 20 लाख रुपए और लगेंगे निकल जाएगा, यही होगा ना ज़्यादा ज़्यादा, हाँ ज़्यादा ज़्यादा यही लगे, विश्वास करवाना पड़ेगा, विश्वास करने के पीछे एक कारण है, आपको बच्चों का विश्वास, बच्चों को विश्वास कराने के लिए क्या है, बच्चों ने बोला पेट में दर्द है भाई ये ले लो, नहीं मम्मी, अरे नहीं बेटा लेके देख ले, नहीं ठीक होता दिखा दियो डॉक्टर को, एक दो बार करोगे जैसे उसको लगा। जितनी भी बहनें हैं उनकी अगर बेटियां हैं तो बेटियों को अगर विश्वास दिलाना है रसोई घर में, तो मासिक धर्म में होने वाले दर्द का रिजल्ट आप दे दो, दवाइयां उसकी जैसी एक दिन बंद होगी उसका विश्वास पूरा आ जाता है। और ये एक ऐसा दर्द है कि एक बेटी जो पैदा होती है पूरे जीवन में कम से कम तो 4 साल आप उसके दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। और रसोई घर की गर्म पानी में घी डाल के पीना, अजवाइन मेथी का काढ़े बना के पीना, तेज पत्ते को उबाल के पीना, ये उसके लिए रामबाण है मासिक धर्म में दर्द होने में। तो जहाँ इस पे जीत हासिल हो गई तो सामने वाले का विश्वास लौट आएगा। भाई मेरे हमारे छत्ती राजस्थान से फ़ोन आया कि भैया मेरे पति देव को गांठ हो गई है और वो मानते नहीं है दवाई वाई, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं दवाई ले रहे हैं लेने दो। फिर फ़ोन आया भैया अब वो कह रहे हैं कि अपने भाई से पूछ ले, मैंने कहा ठीक है जी, वो आटा लो, नमक लो, उसको घोलो, गर्म करो और उसको बांध दो। भाई अगले दिन वो पक के फट गया, ठीक है, जो उसके 5 दिन दवाइयों ने किया वो आटे ने किया, उन्होंने फीडबैक बना के दिया। मेरे पति कहते हैं जी मैं मान गया कि रसोई घर में ताकत है, अब मैं सारी चीज़ें रसोई घर की करूँगी। तो एक बार जीत हासिल करनी पड़ेगी। हाँ और बहुत सारे सरल, जिस तरीके से मैं कहता हूँ अपने घर में हम दर्द का तेल बना सकते हैं, दीदी बनाती है दर्द का तेल, बालों का तेल, तो इन्होंने मतलब पूछे जैसे कहते हैं कि बहुत सारा हमें माताओं, जैसे मैं आपको बताऊँ मेरी छठ पूजा हुई, मेरे यहाँ परिवार आए, मैंने कहा इनको क्या जो विदाई उदाई होता जो होता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अमृत धारा बना के दिया कि भाई ये जाओ, क्योंकि हमारी परंपराओं में पहले क्या होता था, बेटियां आती थी मेरी मम्मी, तो मम्मी ने तो जो नानी होती थी उनके लिए जो भी मिठाई उठाई जो भी देना होता होगा, जो भी कपड़े लत्ते देना, उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें देती थी कि जो उसको जाने अनजाने कहीं उसको दिक्कत हो तो सास को बता के दवाई ना लेना पड़े, बच्चों को दिखाना ना पड़े। तो जो घर में होता था जैसे नींबू का वो अचार जो 6 साल पुराना हो या 5 साल पुराना हो, या गाय का वो घी जो 5-6 साल पुराना हो, तो माताएं अपनी बेटियों को विदाई के वक्त दे देती थी कि तू आई है तो थोड़ी सी घी ले जा, बच्चों को खांसी उसी होगा तो लगा दियो। हम क्या कर रहे थे, तो वही चीज़ आज हमें करनी है। हम जो चीज़ बना सकते हैं, जो चीज़ कर सकते हैं, अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को, मतलब रिश्तेदारों को, कोई आता है दिवाली है कुछ भी है, तो आप जो भी मान लीजिए जैसे दीदी तेल बना रखे, दर्द का तेल है आपने बना रखा अपने लिए या मंगा रखा है, रिश्तेदार आए कोई दिवाली बांटने आए, और ठीक है दिवाली की मिठाई दो, बाद में साथ में ये चीज़ दो, ये ज़्यादा ज़रूरी है, इससे परंपराएँ भी जगेगी। बालों का तेल है, बहुत सारे सिंपल सिंपल तरीके से, बहुत मेहनत नहीं है इन सब चीज़ों को करने में, एक फैसला लेना है कि मुझे अपनी बहन बेटियों को जो आती है उसको साथ में कुछ परंपराओं की चीज़ें उसको देनी है। तो हम क्या देते हैं, जाओ जी अमेजन से मंगा दो, फ्लिपकार्ट से मंगा दो, ये मंगा दो वो देते हैं। इस बार आए आप उसको काजल बनाना सिखाइए, काजल बना के दीजिए, भले ना लगाए, भले ना लगाए दो तो सही, कुंडा तो करो कम से कम, देख लेगी तो अभी आगे चल को अपनी बेटियों, आज अगर इसको काजल बनाना नहीं आता तो अपने पोतियों क्या कहेगी, कैसे सिखाएगी, जिसने देखा है काजल, अब जिसने रेडीमेड काजल देखा ही है तो उसके लिए तो रेडीमेड ही काजल है, उसको तो पता भी नहीं कि काजल कैसे बनता भी होगा। तो ये चीज़ें हैं भाई जी, मेरे बेटे के हाथ पे यहाँ पे गिल्टी सी है, डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर नसें आई, दर्द नहीं है उसको पर वो रहती है, उसका कोई इलाज नहीं। आप ऐसा ना, इसके लिए आप एक तो व्यक्तिगत तौर पे फ़ोन कर लीजिएगा, ऐसे में आपको होम्योपैथ की मेडिसिन, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को बताऊं ना ही पेशे से डॉक्टर हूं,
और ना ही मेरा कोई अधिकार है किसी को दवा बताने का, लेकिन एक भाई और बेटा होने के नाते मैं मदद करता हूँ। तो आप व्यक्तिगत में बताइएगा तो मैं आपको आयुर्वेदिक दवाई भी बता दूंगा और उसमें भी बता दूंगा। घरेलू में कहा जाए अगर गांठ को गलाना है, नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ बारम्बार अरंड का तेल लगाते रहें, अरंड का तेल लगाते रहें। जितना ज़्यादा ज़्यादा अरंड का तेल लगाएंगे गांठ गलेगी, ठीक है। और तांबे का पुराना सिक्का मिले तो उसको घिस के उसके पानी को लगाने से किसी भी तरह का गांठ कम होता है। दीदी इजाज़त दें। हाँ इजाज़त। बाकी और किसी के कोई भी प्रश्न हो तो आप व्यक्तिगत में पूछ सकते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी मैं, जिससे कि आप अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान ले सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप सत्र का समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उस ईश्वर का धन्यवाद कि हम आज सुबह सुबह सब लोग मिले हैं। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार सुखी रहेगा, परिवार सुखी तो समाज सुखी, समाज सुखी तो राष्ट्र सुखी, और हमें अपने भारत को बिल्कुल स्वस्थ बनाना है। धन्यवाद। एक सूचना है, अगले हफ्ते हम लोग यहाँ पे योग का शिविर लगाएंगे, डेट बता देंगे। रोज सुबह यहाँ पे 6:30 से 8 बजे तक योग कक्षा होती है, प्रतिभा दीदी के सहयोग से कर रही हूँ यहाँ पे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े उसमें। और अगले हफ्ते 5 दिन का हम लोग शिविर लगाएंगे यहाँ पे योग का, डेट बता देंगे हम नेक्स्ट वीक। धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। Thank you.